Hi everyone, this is Yashika here, and in this video we are going to discuss art and culture part of Himachal GK. Administrative services exam of Himachal Pradesh is near and I hope आपने अपना syllabus पूरा कर लिया होगा. Art and culture का section एक ऐसा section रहता है जिसमें बहुत सारे बच्चों को problem रहती है. अगर आपने ये एक बार कर लिया है syllabus या maybe दो बार कर लिया होगा, so this video gonna help you in revising the syllabus. और अगर सर्विसेज एग्ज़ाम नहीं, आप कोई और एग्ज़ाम भी दे रहे हो हिमाचल का, ये वीडियो उसमें भी आपको हेल्प करने वाली है. व्हाट ऑल वी गोना कवर इन दिस वीडियो? लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, म्यूजियम पेंटिंग, फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स, डांसेस, ड्रामा, फेस्टिवल्स, टेंपल आर्किटेक्चर, मोनेस्ट्रीज, गुरुद्वारास, चर्च, फोर्ट्स एंड ट्राइब्स. यू नो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हिमाचल जेके का, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो इस सेक्शन में बच्चों को रहती है वो है याद कैसे रखें चीज़ें. सो देखो, याद रखना लाइक रट्टा मत मार रहे हैं इस चीज़ को. इसको दो तीन बार, चार बार पढ़ लो, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें रिकॉल होना स्टार्ट हो जाती हैं. जब आप पेपर में ऑप्शंस देखते हो ए बी सी डी, तो चार ऑप्शंस में से आप बहुत जल्दी जो है वो एक कैलकुलेटिव गेस लगा सकते हो, अगर आपको प्रॉपरली चीज़ें याद नहीं भी हैं तो. वैसे अगर आप 3 to 4 times वीडियो देखोगे और 3 to 4 times इन सब चीज़ों के गो थ्रू हो जाओगे, अगर आपने पढ़ा भी, अगर आप सिलेबस को भी 3-4 बार पढ़ लेते हो, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहने लग जाती हैं. लेकिन एक वीडियो देखी हुई हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी. सो विदाउट फर्दर एडो, लेट्स गेट जस्ट स्टार्टेड विद द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैंग्वेज ऑफ हिमाचल. सो लैंग्वेजेस ऑफ हिमाचल में अगर हम बात करें तो हम सबसे ज़्यादा हिंदी बोलते हैं. पहाड़ी हिंदी होती है हमारी, हिंदी विद अ पहाड़ी टच, यू नो दैट राइट. सो हम इसको पहाड़ी हिंदी बोल सकते हैं, बट अगर हम बेसिक बात करें तो ये हिंदी ही है ना. सो 88.77% अप्रॉक्सीमेटली इतने परसेंट लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं, और सिर्फ 6.83% लोग हैं जो पंजाबी बोलते हैं. और पंजाबी आपको पता है वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में बोली जाती है हमारी जो पंजाब से लगती हैं, जैसे ऊना हो गया, पार्ट्स ऑफ कांगड़ा हो गया, देन बिलासपुर हो गया, सिरमौर में कुछ बोली जाती है. सो जो हिस्से हमारे पंजाब से लगते हैं वो, ठीक है, या फिर जहाँ पर सिख रिलीजन के लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर पंजाबी जो है वो बोली जाती है, राइट. ओके, रेस्ट हमें ये भी पता है कि तिब्बतन्स भी बोली जाती है, तिब्बतन भोटी भी बोलते हैं उसे, ये लाहौल स्पीति और किन्नौर के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, यू नो दैट राइट. चलिए, अच्छा इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ शॉर्ट एंड क्रिस्प. ये एक मैराथन है जिसमें मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको बेसिक सारी चीज़ें बता दूँ जो भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं. लेकिन एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो हम फिर दोबारा लेकर आएंगे, जिसमें हम मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे. अभी हम प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देखेंगे, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे. और ना सिर्फ ये HAS के लिए, ये वीडियो आपकी अदर एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है. तो मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगी, आई जस्ट फोकस ऑन द स्टडी, ठीक है. कांगड़ा, अच्छा लैंग्वेजेस अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं. कांगड़ा, उन्ना और हमीरपुर में जो है वो कांगड़ी डायलेक्ट बोला जाता है, राइट. मंडी में मंडियाली बोली जाती है, मंडी के सुकेत रियासत की तरफ जो है सुंदरनगर जिसको हम बोलते हैं सुकेती बोली जाती है. सरका घाट में सरका घाटी बोल दी जाती है, बलद्वाड़ा की तरफ बलदाड़ी या बल वाला जो हिस्सा है उसमें बलदाड़ी बोली जाती है, ठीक है. देन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें कुल्लवी बोली जाती है, ठीक है. सिराजी और सेंजी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. आपको पता है कि थोड़े थोड़े जगह जैसे ही हम डिस्टेंस कवर करते हैं थोड़ी सी बोली में फ़र्क आ जाता है, ठीक है. देन चंबा में चंबियाली बोली जाती है, भटियाती बोली जाती है, चुराही, पंगवाली, भरमौरी, ये सब जगहें हैं, है ना. भटियात, चुरा, पंगवाल और भरमौर, ये जगहें हैं और इन्हीं के हिसाब से जो है वो बोली थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है, ठीक है जी. नेक्स्ट इज शिमला. शिमला में बोली जाती है क्योंथली, कोची, भराड़ी, किरण और महासुई, ठीक है. सो ये बोली जाती है शिमला के एरियाज में. मैंने फिर भी एरियाज मेंशन किए हैं, रामपुर, कुमारसेन, कोटगढ़ में जो है वो कोची बोली जाती है, और थरोच वाले एरिया में किरण बोली जाती है, भराड़ी जो है वो रोडू वाले एरिया में बोली जाती है, और सिटी के आसपास जो है वो क्योंथली बोली जाती है, फाइन. बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पे कहलूरी बोली जाती है. बिलासपुर रियासत का पुराना नाम कहलूर था, राइट. तो कहलूरी जो है वो यहाँ की लोकल भाषा को बोल दिया जाता है, ठीक है. आगे चलें, सोलन में जो है वो बघाटी, भगलैनी, कुनिहार, अर्की वाले साइड को, और हिंडूरी, नालागढ़. नालागढ़ रियासत का पुराना नाम हिंडूर था, तो वहाँ पे हिंडूरी बोली जाती है,
ठीक है। सिरमौर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे धाटी बोली जाती है, विश्वाई बोली जाती है, जो कि शिमला और गिरीपुर वाला हिस्सा है, शिमला और सिरमौर के बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, किन्नौर में किन्नौरी बोली जाती है, इसे होम्सकद भी बोलते हैं लोकली वहाँ पर। संगरूर बोला जाता है पू डिस्ट्रिक्ट, अगर ये किन्नौर है तो किन्नौर का ऊपर वाला हिस्सा जो है हंगरंग के साथ में, इधर को ये पू विलेज है, वहाँ पे पू संगरूर बोली जाती है। जंगियम बोली जाती है, जंगी वाला एरिया भी है किन्नौर में जहाँ पर जंगियम बोली जाती है, और शुमको भी जो है वो किन्नौर में बोली जाती है। आपको पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस किन्नौर में कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है, या दिस ये जो भाषा है, ये जो बोली है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो लाहौल स्पीति की बात करें हम तो वहाँ पर भोटी घारी, ठीक है, गारी जो है केलोंग वाले हिस्से में, मनचट और चगसा लाहौल वाले हिस्से में, और पटनी जो पतन वाला हिस्सा है उधर को, ठीक है, पटनी बोली जाती है। स्क्रिप्ट ऑफ पहाड़ी लैंग्वेजेस टांकरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि पहाड़ी लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है वो क्या है, तो पहाड़ी लिपि जिसको हम बोलते हैं, सो पहाड़ी लैंग्वेज की जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो है टांकरी। हालांकि ये पुराने टाइम पे यूज़ करते थे, खासकर जो बनिया होते थे वो अपने अकाउंट को मेनटेन करने के लिए टांकरी लिपि का उपयोग करते थे पहाड़ी भाषा को लिखने में, लेकिन आजकल जो है वो हम देवनागरी जो हिंदी है हम हिंदी ही यूज़ करते हैं, पहाड़ी में भी कुछ लिखना हो ऐसा कुछ करना हो तो हम हिंदी स्क्रिप्ट जो देवनागरी स्क्रिप्ट है हिंदी की उसी को यूज करते हैं। टांकरी कंसिडर टू बी इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ शारदा स्क्रिप्ट, ये जो शारदा स्क्रिप्ट है ना ये कश्मीर वाले हिस्से से आई है, ठीक है, वहां पर शारदा पीठ आपने सुना होगा, पीओके के अराउंड है अभी, सो उस हिस्से से आई है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी हम देवनागरी स्क्रिप्ट यूज करते हैं पहाड़ी भाषा को लिखने के लिए, और हम टांकरी स्क्रिप्ट का उपयोग बहुत कम रह गया है, ठीक है। जॉर्ज ए ग्रेसन क्लासिफाइड पहाड़ी डायलेक्ट्स इन हिज बुक इंडियाज लिंग्विस्टिक सर्वे, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में बहुत बार कि पहाड़ी डायलेक्ट्स को किसने क्लासिफाई किया है। सो जॉर्ज ए ग्रेसन जिसने की पहाड़ी डायलेक्ट्स को अपनी किताब में क्लासिफाई किया, और उनकी किताब का नाम है इंडियाज लिंग्विस्टिक सर्वे। आपको बुक में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि दिस बुक रिटन बाय, ठीक है, सो इंडियाज लिंग्विस्टिक सर्वे बाय जॉर्ज ए ग्रेसन, फाइन। लेते हैं रिलीजन, तो ये लैंग्वेजेस थी, और मैं आप देख पा रही होंगी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करवा रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने में आर्ट एंड कल्चर की, और ये एक तरह से रिविजन वीडियो है, दिस इज़ नॉट ए डिटेल्ड वीडियो। डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में जो भी डिटेल्स रहेंगी वो दूंगी, लेकिन वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट इज रिलीजन, फेथ एंड लोकल गॉड। रिलीजन की बात करते हैं, 96% ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल, 96% हिमाचल के लोग जो हैं वो हिंदू हैं। मुस्लिम जो हैं वो 1.72% है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट बनता है, हिंदू के बाद मुस्लिम आता है सेकेंड नंबर पर, और 1.7 देखो मुस्लिम बुद्धिस्ट सिख आसपास ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हिंदुइज्म और बाकी के लोगों में बहुत डिफरेंस है। 96% हिंदुइज्म है, बाकी 4% जो रह गया वो मुस्लिम बुद्धिस्ट सिख और अदर रिलीजन्स के हैं, ठीक है। सो 1.72% जो है वो मुस्लिम है, मोस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो चंबा में आती है, ये भी फैक्ट आपने याद रखना है। मैंने मैक्सिमम वही फैक्ट पिक किए हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या ऑलरेडी पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो हर एक फैक्ट जो है वो इस वीडियो में, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये शॉर्ट एंड क्रिस्प है, बहुत ही छोटी है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने लिए हैं, तो मैंने लिए ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एवरी पॉइंट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जामा मस्जिद इज इन शिमला विच इज़ फेमस, मुस्लिम्स की बात करें तो शिमला में जो है वो जामा मस्जिद है, हालांकि हमारे भारत में अलग अलग जगह पर जामा मस्जिद है, दिल्ली वाली सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन अगर हम हिमाचल में बात करें तो इट इज़ इन शिमला। मदरसा है एक मिस्तर वाला सिरमौर में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल में मिस्तर वाला जो है वो किसके लिए फेमस है, या मदरसा हिमाचल में कहाँ पर है, तो इट इज़ इन मिस्तर वाला सिरमौर, ठीक है। बुद्धिस्ट की बात करें तो 1.23% यानी 1.23% जो है वो बुद्धिस्ट हैं, और मुस्लिम के बाद तीसरे नंबर पर जो है वो बुद्धिज्म आता है, ठीक है, पहले पर हिंदुइज्म, दूसरे पे मुस्लिम और तीसरे पे बुद्धिस्ट। मोस्ट बुद्धिस्ट इन आपको पता है किन्नौर में रहते हैं और लाहौल स्पीति में रहते हैं, तिब्बत इन्फ्लुएंस से। दलाई लामा का रेजिडेंट, दलाई लामा आपको पता है कि उन्होंने एग्जाइल लिया था, उन्होंने शरण ली थी भारत में,
ठीक है, तो वो तिब्बत छोड़ के आ गए थे चाइना के डर से, और अब वो रहते हैं धर्मशाला मिकलोडगंज में। तो दलाई लामा जो है ये 14th दलाई लामा है अभी, और इनके बारे में बहुत 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 स्टोरीज हैं जो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगी। सो दलाई लामा का रेजिडेंट अभी जो है वो मिकलोडगंज धर्मशाला में है। पद्म संभवा वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉन्क, इनको सम टाइम हम सेकेंड बुद्धा भी बोल देते हैं एक तरह से। तो पद्म संभवा एक बहुत ही फेमस मॉन्क है जिन्होंने हिली एरियाज में, स्पेसिफिकली हिमाचल और ऊपर तक जो है वो तिब्बत तक बुद्धिज्म को फैलाया था। ठीक है, आपको पता होगा अगर आपने रिवाल सर देखा, आई एम श्योर आपने देखा होगा, तो वहाँ पर एक मोनेस्ट्री है सामने, और मोनेस्ट्री के बाहर एक बहुत बड़ा स्टेच्यू है, वो पद्म संभवा का ही है। ठीक है, अगर हम और बात करें, अगर हम बुद्धिज्म की बात करें, हम टेबो मोनेस्ट्री के बारे में बिना बात किए नहीं निकल सकते यहाँ से। सो टेबो मोनेस्ट्री विच इज़ इन स्पिति में है, विच इज़ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ना हिमाचल की लेकिन दुनिया की ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, और ये 996 एडी में बनी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, 996 एडी में ये बनी थी, और अजंता, इसे हिमाचल की अजंता बोला जाता है। आपको पता होगा इंडिया के अजंता महाराष्ट्र में है, एंड दे आर ऑल्सो फेमस केव्स जहाँ पर बुद्धिज्म की पेंटिंग्स हैं। ठीक है, और हिमाचल की अजंता बोला जाता है टैबो मोनेस्ट्री को। फाइन, चलिए, अशोका मेड स्तूपा इन कुल्लू, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में अशोका ने एक स्तूपा बनाया था। स्तूप आपको पता होगा ऐसे एक सेमी सर्कुलर सा होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो बुद्धा के या फिर किसी ओल्ड मॉन्क के रिलिक्स रखे जाते हैं। ठीक है, और चेत्रु जो है वो एक स्तूप है जो कि कांगड़ा में है। फाइन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अबाउट बुद्धिज्म, सारे के सारे फैक्ट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वन इज सिखिज्म। सो सिख जो है वो हिमाचल में है 1.22%, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑब्वियसली उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में होगी जो कि या तो जब वहाँ पर कोई हिस्ट्री रही हो या फिर वो पंजाब से लगता हुआ हो, जैसे कि उन्ना में एंड देन सिरमौर में। उन्ना में बिकॉज बिल्कुल ही होशियारपुर से लगता हुआ है, पंजाब से लगता हुआ है, और सिरमौर में क्योंकि वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने और एक दो और गुरुओं ने भी जो है वो समय बिताया था। ठीक है, सिरमौर में, पौंटा में स्पेसिफिकली। सो पौंटा साहिब गुरुद्वारा इज़ द मोस्ट फेमस हिमाचल में, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसके आसपास जो है वो सिख पॉपुलेशन ज़्यादा है। झंडा फेयर सेलिब्रेटेड इन चौकी विलेज ऑफ सिरमौर, जो कि गुरु रामदास जी की मेमोरी में मनाया जाता है। गुरु रामदास जी जो थे वो सिखिज्म के फोर्थ गुरु थे। ठीक है, ही वॉज द फोर्थ वन, उनकी मेमोरी में झंडा फेयर सेलिब्रेट करते हैं चौकी विलेज सिरमौर में। ठीक है, तो 1.22% पॉपुलेशन सिखिज्म, हाईएस्ट पॉपुलेशन उन्ना और उसके बाद सिरमौर आता है। पौंटा साहिब गुरुद्वारा मोस्ट फेमस गुरुद्वारा है, और झंडा फेयर सेलिब्रेट होता है चौकी विलेज में जो कि सिरमौर में है, और ये जो है ये झंडा फेयर किसकी मेमोरी में मनाया जाता है, इन द मेमोरी ऑफ गुरु रामदास जी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज लोकल गॉड्स और लोकल फेथ की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं बाबा बालकनाथ की। ठीक है, बाबा बालकनाथ सबने सुना है, फेमस इन हिमाचल एंड गुजरात ऑल्सो, ऐसा समझा जाता है कि गुजरात से हिमाचल आए थे, इनका बर्थ जो है वो गुजरात में हुआ था। उसके बाद उन्होंने 12 साल जो है वो बिताए तलाई में, जो कि बिलासपुर में आता है। ठीक है, शातलाई जिसको हम बोल देते हैं, वहाँ पे रत्नो लुहारी नाम की एक लेडी थी जिसकी गायें चराते थे वो। ठीक है, 12 साल तक चराई, और उसके बदले में उनको छाछ और रोटी मिलती थी खाने को, ठीक है, और पीने को। तो क्या हुआ कि एक बार शायद वो मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान में थे, और उनकी गायों ने खेतों में घुस गई होंगी और खा लिया। तो बहुत सुनाया रत्न लुहारी ने उनको काफ़ी कुछ, और वो वहाँ से चले गए और गुफा में चले गए। आपको पता है बाबा बालकनाथ केव, उस गुफा में वो चले गए। बाद में रत्न लुहारी ने उनको बुलाया लेकिन वो नहीं आए, और वहीं पे उन्होंने मेडिटेशन की। तो रत्न लुहारी भी फेमस है लेटर ऑन उनके नाम से, राइट। सो उसके बाद जो उनकी केव है वो दियोटसिद्ध में, और दियोटसिद्ध का एरिया जो है वो हमीरपुर में आता है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि शातलाई इज़ इन बिलासपुर एंड दियोटसिद्ध जो है दैट इज़ इन हमीरपुर। ठीक है, और याद रखना है कि इनका बर्थ जो है वो गुजरात में हुआ था, लेकिन ये रहे जो हैं उसके बाद ये हिमाचल में रहे। ठीक है, उसके बाद आता है गुग्गा। गुग्गा पूजा इज अ लोकल फेथ है ये हिमाचल में। गुग्गा जो है वो गॉड ऑफ स्नेक्स माना जाता है। ये सिर्फ हिमाचल में नहीं है, हाँ ये राजस्थान में भी है। और जो गुग्गा है स्पेसिफिकली, इनका जन्म, ये एक राजा थे, बेसिकली ये एक राजा थे, किंग थे राजस्थान के। ठीक है, ही वॉज द किंग ऑफ ददरेवा, राजस्थान में ये जो जगह पड़ती है ददरेवा,
और ऐसा माना जाता है कि इनकी मदर को जो है वो स्पेशल वरदान मिला था उसके बाद गूगा हुए थे, और उसके बाद इन्होंने बहुत ही चमत्कारी काम किए हैं बहुत सारे, और बहुत सारे लोगों को स्पेसिफिकली जिनको सांप ने काट लिया कभी तो उस पॉइजन को वो ख़त्म करते थे, तो इनको प्रोटेक्टर माना जाता है स्नेक पॉइजन से। ठीक है, तो गुग्गा पूजा होती है, आपको पता है कि गुग्गा जो है वो गांव में फिरते हैं, ठीक है, रक्षाबंधन के अराउंड। देन नाग पूजा, इन हिमाचल रेड स्नेक इज वर्शिप्ड एज अ सिंबल ऑफ डेटी। ठीक है, रेड स्नेक, वैसे बहुत सारे नाग देवता है हिमाचल में, तो फेमस नागा टेम्पल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कामरू हो गया, कामरू नाग, माहू नाग, वासुकी नाग जो कि चंबा में है, चमोन नाग जो कि कुल्लू में है, बधुआ नाग किन्नौर में, थेट एंड ज्वालिया नाग कांगड़ा में, और तंधार लाल नाग शिमला में। ठीक है, एंड कमरू नाग एंड माहू नाग आर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। फाइन, सो नाग पूजा जो है वो भी एक लोकल फेथ है हिमाचल में, काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। देन वैष्णविज्म, वैष्णविज्म हिमाचल में कैसे आया? सो विष्णु पूजा स्टार्टेड अराउंड गुप्ता, ना सिर्फ हिमाचल में बट इन होल इंडिया की बात करें हम तो उसी समय पर हिमाचल में भी इन्फ्लुएंस हुआ। सो विष्णु पूजा स्टार्ट हुई गुप्ता पीरियड में, ठीक है, 320 AD के आसपास लगा लो आप, ठीक है, इसके आसपास के पीरियड के टाइम पर हम बात करते हैं। विद द फॉर्मेशन ऑफ लक्ष्मी नारायण टेम्पल, अगर हम एंशियंट हिमाचल की बात करें स्पेसिफिकली वैष्णविज्म में, तो नारायण टेम्पल चंबा का ये एक एग्जाम्पल है एंशियंट टाइम की वैष्णविज्म का। वैष्णविज्म का मतलब होता है विष्णु की पूजा, राइट, बाय युगांकर वर्मन। तो ये नारायण, लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो कि चंबा में बनाया है युगांकर वर्मन ने, ये एक पुराना मंदिर है। मसरूर, मसरूर कट आपको पता है, रॉक कट टेम्पल्स, ठाकुरवाड़ा जिनको बोलते हैं कांगड़ा में, इज ऑल्सो वेरी अर्ली सिम्बल ऑफ वैष्णव रिलीजन हिमाचल की। ये वैष्णविज्म जो है वो हिमाचल में बहुत एंशियंट टाइम से है। देन हम बात करते हैं शिवाइज्म की। शिवाइज्म मतलब शिवजी को मानना, शिवा को, यू नो दैट माउंटेन्स में स्पेसिफिकली हिमाचल और उत्तराखंड में शिवा को काफी माना जाता है। सो अर्ली शिविज्म एविडेंस फाउंड इन कॉइन्स, कुल्लू के कॉइन्स में मिलता है। गौरी शंकर टेम्पल चंबा का, वो भी, बैजनाथ का शिव टेम्पल कीरीग्राम, कीरग्राम जिसको हम बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ टेम्पल इन लाहौल स्पीति, विश्वेश्वर इन बजौरा, भूतनाथ मंदिर इन टेम्पल इन मंडी, जिसको छोटी काशी भी बोला जाता है मंडी को। सो ये सब जो है वो एंशियंट टाइम के शिविज्म के हैं। अभी बहुत सारे टेम्पल्स होंगे शिवा के, बहुत सारे, लेकिन और मनी महेश ऑल्सो, और किन्नर कैलाश ऑल्सो, ठीक है, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। सो ये शिविज्म एंशियंट टाइम से शिविज्म को दिखाता आ रहा है, ठीक है, ओके। शक्ति धाम, शक्ति धर्म या शक्ति धाम की बात करें, सो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ शक्ति पूजा जो है, सॉरी, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ शक्ति पूजा जो है हिमाचल में, देखो, ब्रजेश्वरी कांगड़ा में, कांगड़ा के बिल्कुल फोर्ट में, ठीक है, देन छतराड़ी चंबा, देन ज्वालामुखी वन ऑफ द फेमस इन कांगड़ा, ठीक है, जहाँ पर माना जाता है कि ज्वालामुखी में जो सती हुई थी देवी, उनकी जीभ गिरी थी वहाँ पर, ठीक है, देन चिंतपूर्णी उन्ना में, फाइन, शक्तिपीठ है, देन तारना मंदिर मंडी में, नैना देवी बिलासपुर में जहाँ माना जाता है कि सती की आंखें गिरी थी, ठीक है, हिडिम्बा मनाली में, ठीक है, डुंगरी में, एंड देन भीमाकाली सराहन शिमला में जो आता है, एंड रामपुर सरहान वाला एरिया में, ठीक है, एंड देन रेणुका टेम्पल इन सिरमौर। तो ये सब शक्तिपीठ है, शक्ति धाम है, जो कि हिमाचल में बहुत ही फेमस है। भुंडा प्रैक्टिस इन रामपुर, रामपुर में भुंडा प्रैक्टिस होती है। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, भुंडा प्रैक्टिस क्या है, जिसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था, यानी एक आदमी की बलि दी जाती थी, सो सेक्रीफाइस ऑफ ह्यूमन टू गॉडेस, अब भी नहीं होता ये, ठीक है, हाँ, गोट सेक्रीफाई की जा सकती है, लेकिन अभी वो भी बैन है, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द स्टेटस, बट हाँ, भुंडा जो प्रैक्टिस है रामपुर की, उसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था। फाइन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर शिरगुल देवता। शिरगुल देवता, देखो क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आ सकता है कि दिस देवता जो है वो कौन से एरिया में के का फेथ है, लोकल फेथ है, यानी कौन से एरिया में जो है वो ये वाले देवता पूजे जाते हैं। फाइन, सो शिरगुल देवता जो है फेमस गॉड ऑफ चूरधार इन सिरमौर, तो शिरगुल इज कनेक्टेड टू सिरमौर, ठीक है। बिज्जत देवी, बिज्जत देवी जो है ऐसा माना जाता है कि जब अग्निसुर ने अटैक किया था चूड़धार के ही एरिया में, तो गॉडेस ने उसको हराया था, यानी अगेन जो है वो बिज्जत देवी भी सिरमौर वाला जो एरिया है वहाँ पर
फेमस हैं, ठीक है। देन महासू देवता, महासू एक पूरा एरिया था हमारा सोलन शिमला सारा, सो नेम केम फ्रॉम महाशिवा, तो ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, महासू जो है वो महाशिवा की डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। सो जो महासू है ना, बेसिकली ये एक डेटी नहीं है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ फोर ब्रदर्स, चार भाई माने जाते हैं, भोटू, पब्बर, वैशिक और चल्दू, ठीक है। तो इस तरह से माने जाते हैं चार भाई, और ये टोटल फिर नाम बनता है एक मिलाकर महासु, ठीक है। बहुत सारे लोकल, बहुत सारे हिमाचल में लोकल लेजेंड्स हैं। अब जब आप किसी लेक के बारे में पढ़ोगे, रिवर के बारे में पढ़ोगे, किसी जगह के बारे में पढ़ोगे, तो आप देखोगे बहुत बहुत सारे लेजेंड्स, मतलब कहानियाँ जुड़ी हुई हैं हर एक चीज़ के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, जमलू देवता, मलाना, गॉड ऑफ मलाना, लोकल डेटी ऑफ मलाना, ठीक है। मलाना रेजिडेंस कंसिडर्ड डिसेंडेंट्स ऑफ एलेक्जेंडर, ये भी कई बार पूछा गया है कि मलाना के जो रेजिडेंट्स हैं वो किसके डिसेंडेंट माने जाते हैं, एलेक्जेंडर द ग्रेट, एलेक्जेंडर द ग्रेट के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अकबर ने भेजा था यहाँ पर गोल्ड सिल्वर कॉइन टू जामलू देवता, ताकि उसकी डॉटर का लेप्रोसी खत्म हो जाए। मैं आपको बता दूँ, अकबर की डॉटर का ना दो बार मेंशन आता है हिमाचल की उसमें खासकर, ठीक है, एक लेक में जिसमें बॉडी मिली थी और एक यहाँ पे देखो। तो अगर हम नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, वहाँ पे हमें अकबर की डॉटर के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता कि अकबर की बेटी थी, लेकिन जब हम हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें मेंशन आता है बार बार ये कि अकबर की डॉटर थी, और अकबर की डॉटर को क्या था, देखो लेप्रोसी थी, और जमलू देवता के पास उन्होंने चढ़ाए थे, क्या क्या दिया था, ये गोल्ड सिल्वर कॉइन भेजे थे ताकि उनकी डॉटर की लेप्रोसी खत्म हो जाए, ठीक है जी। आगे चलते हैं, पीर, पीर आपने सुना होगा, बहुत मानते हैं हिमाचल में, काफ़ी जगहों पर माना जाता है, स्पेसिफिकली पंजाब और हिमाचल में जो है वो ज़्यादा माना जाता है पीर को। अ प्लेस विदाउट आइडल्स और ग्रेव, वहाँ कोई आइडल्स नहीं होते अंदर, ना ही कोई ग्रेव होती है। पीस गॉड प्रोटेक्ट एनिमल्स, बहुत बार सुना होगा आपने कि किसी की एनिमल के लिए, काओ बफलो के लिए पीर से जो है वो कुछ लेकर आए हैं, ठीक है। सो पीर जो है प्रोटेक्ट करता है एनिमल को फ्रॉम डिजीज स्पेसिफिकली, सो हे पीर, आप ऐसे करो कि आप लंपी स्किन डिजीज से जो है वो गायों को बचा लो, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाना चाहिए ताकि ये लंपी स्किन डिजीज जो है वो फटाफट खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये याद रखना, आप ये लंपी स्किन डिजीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, दिस इज इसके लिए गोट पॉक्स की वैक्सीनेशन लगती है जानवरों को अभी, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाना, ठीक है। पीर भयानू जो है, ये एक पीर जगह है बिलासपुर में, पीरगा उन्ना में जो है वहाँ पर भी फेमस है, ठीक है। तो बिलासपुर उन्ना आप फिर से देखो, ये बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है पंजाब के साथ, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर्स कुछ फैक्ट फेथ और लोकल गॉड से रिलेटेड। पद्म संभवा, पद्म संभवा के बारे में मैंने अभी भी बताया, इज द ओल्डेस्ट मॉन्क, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉन्क एंड बहुत ही फेमस, और ये जो है इन्होंने बुद्धिज्म को प्रोपिगेट किया था हिली एरियाज में 8वीं सेंचुरी में, ठीक है। मंडी के साथ बहुत हिस्ट्री जुड़ी हुई है पद्म संभवा की, मंडी के किंग के साथ, उनकी डॉटर के साथ, रिवाल्सर के साथ, ठीक है। जब हम मंडी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम और डिटेल करेंगे। दत्तात्रेया, टीचर ऑफ परशुराम माना जाता है, ये पॉइंट्स हैं जो मैंने प्रीवियस पेपर से पक किए हैं। निर्मंड वॉज अ प्लेस ऑफ साधन ऑफ होम परशुराम, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि निर्मंड जो है वो किसकी साधन एक जगह थी, परशुराम की। सिख गुरु हु वर्शिप्ड नैना देवी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी का बिलासपुर के साथ कनेक्शन काफी बनता है, खासकर भीमचंद के साथ, है ना। सो वज्रयाना बुद्धिज्म फेमस इन हिमाचल, वज्र देखो बुद्धिज्म जो है ना वो स्पेसिफिकली तीन तरह का है, अभी फिलहाल नहीं ज़्यादा डिटेल में, आपने ये याद रखना है कि वज्रयाना जो हिमाचल में कौन सी फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म ज़्यादा फेमस है वो है वज्रयाना, वज्रयाना जिसमें इट इज़ अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म, ठीक है। एक बुद्धिज्म होता है जिसमें किसी को नहीं आगे मानते, बस एक पावर समझते हैं कि पावर है, एक बुद्धिज्म होता है जिसमें मूर्तियों के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, और एक बुद्धिज्म है जिसमें तंत्र के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, और ये वही बुद्धिज्म है वज्रयाना, जैसे महायाना होता है, हीनायाना होता है, और वज्रयाना होता है, तो ये वज्रयाना बुद्धिज्म है जो कि हिमाचल में फेमस है, ठीक है। मनसा देवी इज कंसिडर्ड गॉडेस ऑफ स्नेक, ये भी क्वेश्चन आता है कि वे कौन सी देवी है जो गॉडेस ऑफ स्नेक मानी जाती है, इट इज मनसा देवी। अकॉर्डिंग टू देव पुराण, बानासुर हु रूल्ड सराहन किल्ड कृष्णा, किल्ड बाय कृष्णा, तो क्या कहा जाता है कि बानासुर जो था ना, उसने रामपुर का एरिया था वो उसके पास था पहले, बेसिकली वो रूल करता था वहां पर, और ये जो सतलुज है हमारी, ब्रह्मपुत्र है और इंडस है, ये भी तिब्बत के उसी हिस्से से निकलती है ना, मानसरोवर से, ब्रह्मपुत्र इधर जाती है, इंडस इधर चली जाती है, और सतलुज ऐसे आ जाती है। तो यहाँ पे भी माना जाता है कि बानासुर ने जो है वो उसके सामने तीन नदियां थी, और
और उसने ब्रह्मपुत्र को इस तरफ भेज दिया, इंडस को इस तरफ भेज दिया और सतलुज को अपने पीछे कहा आने को, और वो इस तरफ आ गया रामपुर की तरफ, वो सतलुज को ले आया। और ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलुज में से सबसे ज़्यादा जो खराब टैरेन से निकल कर आती है ना नदी, वो सतलुज ही है, ठीक है। सो ये बानासुर था जो इस एरिया में पूरे में रूल करता था। बाद में कृष्णा ने उन्हें मारा और जो कृष्णा का आगे बेटा था प्रद्युम्न ने फिर जो है वो रामपुर के एरिया में जो है वो क्या किया, रूल किया काफ़ी समय तक। तो ये जो वीरभद्र सिंह जो लास्ट अभी मैं कंसिडर कर लूँ या उनके फादर तक जो है वो पूरी गद्दी चली, तो ये सब जो है वो कृष्णा के डिसेंडेंट माने जाते हैं, कृष्णा एंड देन प्रद्युम्न और फिर उनकी आगे को फैमिली, ठीक है जी। चलिए तो ये थे फेथ एंड लोकल गॉड। सो वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स बुक्स ऑथर्स एंड लिटरेचर। सो बुक्स ऑथर्स एंड लिटरेचर की अगर हम बात करें, सबसे पहले फर्स्ट टाइम पहाड़ी पोइट्री अवार्ड वॉज गिवन टू, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं बहुत आपको बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें कुछ नहीं बता रही हूँ, सीधे फैक्ट्स पे आ रही हूँ, जो कि आपको पता है हिमाचल के पेपर्स में ज़्यादातर सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, वन लाइन ऑफ फैक्ट्स आ जाते हैं, चाहे वो HS का ही एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं हिमाचल की, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पेपर हो और क्लैरिकल के थे तो 100%, ठीक है। तो ये सीधे सीधे वही चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। सो फर्स्ट टाइम पहाड़ी पोइट्री अवार्ड किसको मिला था, डॉक्टर विक्रम सिंह को मिला था 1983 में। आपने हर चीज़ को याद करने की कोशिश नहीं करनी है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आर्ट एंड कल्चर को याद करना बड़ा मुश्किल होता है, आप इसको 2-3-4 बार वीडियो देखोगे आपको आपको धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो याद रहनी शुरू हो जाएंगी। मैं इसीलिए इस वीडियो को बहुत लेंथी नहीं बनाना चाहती, ठीक है। हालांकि मेरे पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं पढ़ने को, तो मैं ज़्यादा इसीलिए इधर उधर की बात भी नहीं करूँगी, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द स्टडी। फर्स्ट चंद्रहार शर्मा गुलेरी अवार्ड जो है वो मिला था मिस्टर केशव फॉर हिंदी लिटरेचर 1986 में, मिस्टर केशव को मिला था गुलेरी अवार्ड, ठीक है। फर्स्ट चंद्रहार शर्मा गुलेरी अवार्ड, फाइन, ये दिस लाइक दिस। फर्स्ट वाई एस परमार अवार्ड जो है वो मिला था फॉर एक्सलेंसी इन हिमाचल कल्चर, हिमाचल कल्चर के के लिए मिला था, किसे मिला था, मियां गोवर्धन सिंह को। बहुत सारे लोग इस बुक को पढ़ते हैं, 1986 में मिला था। फर्स्ट पहाड़ी गांधी अवार्ड जयदेव किरण को, ये बहुत बहुत मैं स्टार कर दूँ इसे, फर्स्ट पहाड़ी गांधी अवार्ड किसे मिला था, जयदेव किरण को मिला था 1986 में, ये भी हिली लिटरेचर में ही था। फर्स्ट हिमाचल नेशनल टीचर अवार्ड मिला था प्रकाश चंद को, ये प्रिंसिपल थे स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर स्कूल शिमला के, ठीक है। कौन थे, मिस्टर प्रकाश चंद, 1958 में इनको HP नेशनल टीचर अवार्ड मिला था। यस, ये भी मैंने एक डिस्कवर किया दैट HP में बेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो है परशुराम अवार्ड, और ये मिला है फर्स्ट अवार्डी, सिर्फ हम फर्स्ट अवार्डी की बात कर रहे हैं, परशुराम अवार्ड फर्स्ट अवार्डी जो है वो है सुमन रावत, ये सुंदरनगर से हैं, 1987 में इनको जो है वो ये अवार्ड मिला था, परशुराम अवार्ड। इंडियन फॉर्मर ट्रैक एंड फील्ड एथलीट रह चुकी हैं ये, सुंदरनगर, अगर सुखेत रियासत का जो नाम अभी है सुंदरनगर, वहाँ पे अर्थी कपाही नाम की जगह है, वहाँ से ये बिलोंग करती हैं। और इनको देखो, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1986 के एशियन गेम्स में 3000 मीटर रेस में, एंड गोल्ड जीता है इन्होंने 1987 में, 96 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, 86 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, 87 में इन्होंने गोल्ड जीता एशियन गेम्स में ही, और 1500 और 3000 मीटर रेस में, और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। तो देखिए क्या क्या, परशुराम अवार्ड फर्स्ट अवार्डी यही है, ठीक है। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था एशियन गेम्स में 86 में, और गोल्ड जीता था 87 में, और अर्जुन अवार्ड भी इनको मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज योर बुक्स एंड ऑथर्स। तो देखो हिमाचल में बहुत सारी बुक्स हैं याद करने को, और मैंने ज़्यादातर ट्राई किया है कि काफ़ी सारी मैं मैंशन कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक बार क्विक रिविजन लेते हैं इसका। सो धामी पाठ जो है वो लिखी है महात्मा गांधी ने, आपको पता है धामी कांड क्या हुआ था, है ना, उसके रिलेटेड। कुलूट देश की कहानी लालचंद पारथी ने, हिमालयन सर्कट GD खोसला ने, मैं इसको सिर्फ रीड कर रही हूँ, आपने ये 5-6 बार रीड कर लेना है जो जो भी बुक्स हैं, ठीक है। ट्रैवल इन द हिमालयन प्रोविंस ऑफ इंडिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विलियम मूलक्राफ्ट, आपको पता है कि सारे ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में गए हैं ये, ठीक है, ना सिर्फ यहाँ तक अफगानिस्तान तक जाके आए हैं, पूरे पूरे माउंटेन्स में। हिमालयन परिचय, सो हिमालयस परिचय, ये राहुल संस्कृत्यान ने लिखा है, ये भी बहुत फेमस है। ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश KL जोशी ने लिखी है। प्रवासी मेरे गीत, ये शांता कुमार जी ने लिखी है, इम्पॉर्टेंट है। द
धरती है बलिदान की, अगेन शांता कुमार जी ने लिखी है। हिमालयन पॉलियंड्री डी एन मजुमदार ने लिखी है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, अगेन शांता कुमार जी ने लिखी है। फेस्टिवल फेयर एंड कस्टम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश मियाँ गोवर्धन सिंह ने लिखी है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ओसी हांडा ने लिखी है। एंटीक्विटीज ऑफ इंडियन तिब्बत ये एच फ्रैंक ने लिखी है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ख़त्म नहीं हो रही हैं, ठीक है, अभी दो स्लाइड्स और आ रही हैं। सो कांगड़ा रियासत का की बंदोबस्त रिपोर्ट ये जी सी बर्नीज ने लिखी है। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू लाहौल एंड स्पिति ये ए एफ पी हरकोट ने लिखी है, अगेन एन इम्पॉर्टेंट बुक। एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट जे पी एच बघेल ने लिखी है। स्वास्थ्य के अनमोल मार्ग प्राकृतिक चिकित्सा ये आचार्य देवव्रत ने लिखी है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख जुब्बल भगवान दास ने लिखी है। कैटलॉग ऑफ भूरी सिंह म्यूजियम चंबा ये जे पी बघेल ने लिखी है, अगेन चंबा में देखो जे पी बघेल एंड देन एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट भी इन्होंने ही लिखी है। हिमालयन पिलग्रिमेज बी एन दातर ने लिखी है। एंटीक्विटीज ऑफ कांगड़ा दिलीप के चक्रवर्ती ने लिखी है। टेम्पल एंड लेजेंड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पी सी रॉय चौधरी ने लिखी है। पॉलीएंड्री इन हिमाचल वाई एस परमार ने लिखी है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीएंड्री इन हिमालयस वाई एस परमार पहले सी एम हिमालयस द बोर्ड ऑफ लाइट निकोलस रॉरिच ने लिखी है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूमिस्मैटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल पी एल गुप्ता ने लिखी है। ट्रैवल इन वेस्टर्न हिमालयस एम एस रंधावा ने लिखी है, ठीक है जी। देन लाजो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, शांता कुमार जी ने लिखी। शांता कुमार जी की सारी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट मनमोहन सिंह। प्राचीन हिमाचल एल सी पांडे कांगड़ा पेंटिंग एम एस रंधावा। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आनंद चंद, अगेन द लास्ट किंग ऑफ बिलासपुर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हारे हुए लोग डॉक्टर सुशील कुमार। अबोर्ड ऑफ गॉड एंड्रयू विल्सन। कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड, अगेन इम्पॉर्टेंट, शोभा सिंह की वाइफ। एंड देन तारीख रियासत सिरमौर कन्वर रंजौर सिंह, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पर्सन है। कुल्लू एंड लाहौल सी जी ब्रूस। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स थी कुछ जो मैंने आपको बताई। धामी पाठ महात्मा गांधी वाली बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रैवल इन हिमालयन प्रोविंस ऑफ इंडिया विलियम वुडक्राफ्ट, अगेन इंपॉर्टेंट। हिमालयन परिचय राहुल सांस्कृतियन इंपॉर्टेंट। शांता कुमार जी की दोनों किताबें एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। मियाँ गोवर्धन सिंह की फेस्टिवल फेयर कस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगेन इंपॉर्टेंट। फिर बता रही हूँ, रिपीट करवा रही हूँ थोड़ा सा। स्वास्थ्य के अनमोल मार्ग प्राकृतिक चिकित्सा आचार्य देवव्रत ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई एस परमार जी की पॉलीएंड्री इन हिमाचल इंपॉर्टेंट है। पॉली होता है बहुत सारे, पॉलीएंड्री मतलब एक विमेन के बहुत सारे हस्बैंड्स या बहुत सारे मैन, सो पॉलीएंड्री वाई एस परमार। हिमालयस द बोर्ड ऑफ लाइट निकोलस रॉरिच इंपॉर्टेंट है। देन शांता कुमार जी की लज जो इंपॉर्टेंट है, और कांगड़ा पेंटिंग एम एस रंधावा जी की इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आनंद चंद ये भी इंपॉर्टेंट है। कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड इंपॉर्टेंट है। कन्वर रंजोर सिंह की तारीख रियासत सिरमौर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा किताबें नहीं है हिमाचल की, अगर आप किताब निकालोगे कोई भी बुक उठा लोगे बलोखड़ा उठाओगे तो आप पढ़ते ही रह जाओगे किताबें, बहुत सारी बुक्स दी हुई हैं, ठीक है। तो आपको जितनी याद हो सकती हैं आप कर लें प्लीज़। आगे चलें, बुक्स ऑथर्स एंड लिटरेचर अवार्ड में अगेन यस रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने स्पीति के बारे में कहा था दैट दिस प्लेस इज नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स। उन्होंने कहा था कि ये रहने लायक जगह नहीं है ह्यूमंस के लिए, स्पीति को कहा था कि यहाँ पे इतनी हार्श और सिवियर कंडीशंस होती हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं रह सकते यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि स्पीति जो है वो ह्यूमन बींग के रहने की जगह नहीं है। तो ये रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। आपको पता है ये बहुत 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 फेमस राइटर है ना, जंगल बुक सुना होगा आपने और भी बहुत सारी, ये तो एक जस्ट एग्जांपल है फेमस वन। कालिदास मेंशन अबाउट किन्नर्स, किन्नौर्स के लोगों के बारे में कालिदास ने मेंशन किया था अपनी किताब में, जिस किताब का नाम था या है कुमार संभवा, एंड ऑल्सो कॉल्ड हिमालयस एज देवात्मा। हिमालय को क्या बोला, हिमालयस को कहा देवात्मा कालिदास ने, और अपनी किताब कुमार संभवा में उन्होंने मेंशन किया था किन्नर्स के बारे में, किन्नौर्स के बारे में, ठीक है, किन्नौर के लोगों के बारे में। म्यूजियम्स की बात करते हैं, म्यूजियम्स हिमाचल में इंपॉर्टेंट म्यूजियम है, और बहुत सारे इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो है भूरी सिंह नगर, और देन यू नो रॉरिच, बहुत सारे हैं। चलो आगे देख ही लेते हैं एक बार। भूरी सिंह म्यूजियम
इट इज लोकेटेड इन चंबा. भूरी सिंह जो थे वो चंबा के एक राजा थे बेसिकली. ये इनकी फैमिली ही रॉयल फैमिली थी. इनके फादर किंग थे, इनके भाई किंग थे, उसके बाद ये खुद किंग बने और इनके रिलेशंस जो थे वो अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छे थे. तो उस समय अंग्रेजों ने काफ़ी डेवलपमेंट करवाई थी चंबा में स्पेसिफिकली. तो भूरी सिंह म्यूजियम है चंबा में, ठीक है, और फाउंडेड बाय राजा भूरी सिंह, खुद ही किया था इन्होंने 1908 में. इनको नाइटहुड का अवार्ड भी दिया था अंग्रेजों ने. मैं कह रही हूँ कि इनका बहुत ही गहरा संबंध था अंग्रेजों के साथ. कांगड़ा एंड बछौली स्टाइल ऑफ आर्टिफैक्ट्स जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं. ये मैं पेंटिंग्स की बात कर रही हूँ, ठीक है. नग्गर आर्ट गैलरी, नग्गर इज इन कुल्लू, यू नो दैट. तो ये कुल्लू में है. इट इज़ फाउंडेड बाय निकोलस रॉरिच. निकोलस रॉरिच जो है वॉज अ रशियन. तो ये आए थे यहाँ पर और ये यहीं रह गए. इनको बहुत पसंद आई जगह, ठीक है. तो ही इज ऑल्सो कॉल्ड रॉरिच आर्ट गैलरी. तो नग्गर आर्ट गैलरी को और क्या कहा जाता है, रॉरिच आर्ट गैलरी कहा जाता है. निकोलस रॉरिच आर्ट कॉलेज भी इस्टेब्लिश हुआ था उन्हीं के नाम पर 2012 में. फाइन, सो रॉरिच से याद रखना, निकोलस रॉरिच एक रशियन थे, ठीक है, जो कि नग्गर में कुल्लू में आके रहे और यहीं रहे वो फिर, और इनके नाम पर ही यहाँ पर आर्ट गैलरी है. नेक्स्ट इज अंड्रेटा. अंड्रेटा आर्ट गैलरी जो है वो शोभा सिंह का वर्क है यहाँ पर बेसिकली. इट इज लोकेटेड इन अंड्रेटा कांगड़ा. वर्क्स ऑफ शोभा सिंह कैप्चर. आपने सोचा, ये देख रहे हो वर्क्स क्यों लिखा हुआ है. देखो यूजुअली हम वर्क बोलते हैं, वर्क्स नहीं बोलते, लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, उसके लाइफ टाइम के काम की बात कर रहे होते हैं, तो हम वर्क ना कह के वर्क्स कहते हैं, ठीक है. सो वर्क्स ऑफ, ये इंग्लिश का एक रूल हो गया. सो वर्क्स ऑफ शोभा सिंह कैप्ट हेयर. फेमस वर्क्स ऑफ उमर खयाब, सोनी मेवाल, ये सब है यहाँ पर इनकी आर्ट गैलरी में. फाउंडेड बाय नोरा रिचर्ड. इनकी वाइफ थी, शोभा सिंह की वाइफ थी नोरा रिचर्ड, उन्होंने फाउंड की थी ये. और 1912 में ये आर्ट गैलरी चेंज टू म्यूजियम, ठीक है. आई थिंक दिस शुड बी 2012, नॉट 1912, सॉरी, ठीक है. सो 2012 में इसे जो है वो आर्ट गैलरी म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, आर्ट गैलरी को. स्टेट म्यूजियम की बात करें तो हिमाचल का स्टेट म्यूजियम जो है इट इज़ लोकेटेड इन शिमला और ये फाउंड हुआ था 1974 में. कांगड़ा आर्ट म्यूजियम, इट इज़ लोकेटेड इन धर्मशाला जो कि 1991 में बन गया था. और ट्राइबल म्यूजियम की हम बात करें तो ये है किलोंग में, लाहौल में, ठीक है, लाहौल में आता है किलोंग आपका. और इट इज़ फाउंडेड इन 2006. तो अब हम मोटा मोटा बात करें म्यूजियम की, तो हमारे पास म्यूजियम है द फेमस वन भूरी सिंह म्यूजियम जो कि चंबा में है. नग्गर आर्ट गैलरी जिसको कि निकोलस रॉरिच आर्ट गैलरी भी कहा जाता है, इट इज़ इन नग्गर कुल्लू. उसके बाद अंड्रेटा आर्ट गैलरी इज इन कांगड़ा, शोभा सिंह के नाम पर, जिनकी जो जिसको उनकी वाइफ ने फाउंड किया था नोरा रिचर्ड ने. एंड देन स्टेट म्यूजियम इज अगेन इन शिमला. कांगड़ा आर्ट म्यूजियम इट इज़ इन धर्मशाला. एंड ट्राइबल म्यूजियम जो है वो किलोंग में, ऑब्वियसली ट्राइबल एरिया में होगा, तो इट इज़ इन किन्नौर, सॉरी इट इज़ इन केलोंग, लाहौल स्पीति के लाहौल वाले हिस्से में. फाइन, नेक्स्ट इज योर स्कूल ऑफ पेंटिंग. सो स्कूल ऑफ पेंटिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, पेंटिंग के कुछ स्कूल्स हैं, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग स्पेसिफिकली हम इनको बोलते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा बोलना पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, क्योंकि भारत में बहुत सारे स्कूल ऑफ पेंटिंग और भी हैं, ठीक है, हम सिर्फ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात कर रहे हैं. तो इसमें अगर हम बात करें बछौली स्कूल की, दिस स्कूल इज़ द ओल्डेस्ट नोन स्कूल ऑफ पेंटिंग इन द हिल एरिया, बछौली, ठीक है. ये कांगड़ा पेंटिंग से भी पहले आया था. सो इट रोज टू इट स्टेटस अंडर राजा कृपाल सिंह. राजा, मैंने पेंटिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें उठाई हैं ताकि आपको बहुत सारी डिटेल मिल सके. हालांकि मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड ही पढ़ूंगी, आपको बताऊंगी जब ये डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे, तो हम काफ़ी डिटेल में जो है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे पोमेन्स, या फिर अगली बार जब वीडियो आएगी तो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है. अभी ये एक शॉर्ट मैराथन है. ओके, द बछौली स्कूल यूज कलर सिम्बॉलिकली. सिम्बॉलिकली कैसे यूज किया कलर को, जैसे लाल फॉर लव, सो रेड कलर फॉर लव शो करने के लिए, येलो फॉर स्प्रिंग, ब्लू फॉर फर्टाइल रेन एंड क्लाउड्स, ऐसे यूज किया कलर स्पेसिफिकली. इट स्प्रेड टू अदर हिल स्टेट्स ऑफ मनकोट, नूरपुर, कुल्लू, मंडी, सुकेत, बिलासपुर, नालागढ़, चंबा, कांगड़ा, दूसरी हिल स्टेट्स में भी जो है वो बछौली स्कूल ऑफ पेंटिंग का की छाप जो है वो पड़ी धीरे धीरे. अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दिस स्कूल कांट पॉसिबली बी मुगल ओरिजिन. उन्होंने कहा कि ये मुगल ओरिजिन का हो ही नहीं सकता. मुगल जो है वो अलग किस्म की पेंटिंग्स बनाता और ये जो स्कूल है ये डिफरेंट तरह का है. द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ दिस स्कूल जो है वो है देवीदास, हु वॉज फेमस फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ राधा कृष्ण. ज़्यादातर पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो रिलीजियस बेस्ड हैं, स्पेसिफिकली राधा कृष्ण की पेंटिंग्स, ठीक है, और भी, बट राधा कृष्ण की ज़्यादा. एंड पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग इन देयर लाइवरी एंड वाइट गार्मेंट्स,
ठीक है, तो राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट्स हो गए या राधा कृष्ण के पोर्ट्रेट हो गए। और अगर हम बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें तो देवीदास जो है वो यहाँ पे फेमस पेंटर हैं। और ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, ये फलाना फलाना पेंटर जो है वो कौन से स्कूल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग करता है या फेमस था, ये आपने याद रखना है, देवीदास फ्रॉम बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की। देखो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग आया भले ही बाद में था, लेकिन फेमस कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग ज्यादा हुआ दैन बशौली एंड अदर स्कूल ऑफ पेंटिंग इन हिमाचल। ठीक है, तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग इतना फेमस हुआ कि धीरे धीरे हम पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग को कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से ही जानने लगे। मतलब अगर हम बोल रहे हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग तो डेफिनेटली हम कांगड़ा की बात कर रहे होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग कई हैं, लेकिन क्योंकि कांगड़ा बहुत फेमस है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग बहुत फेमस है, इसलिए पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग सिनोनिम हो जाते हैं। दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, स्टार्टेड इन गुलेर। गुलेर में स्टार्ट हुआ था, गुलेर अपने आप में एक प्रॉपर वो है जहाँ से ये पेंटिंग स्टार्ट हुई थी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा गोवर्धन चंद। ठीक है, गुलेर गोवर्धन चंद के टाइम पर शुरू हुआ था, ये याद रख लेना, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में। कांगड़ा टुक ओवर गुलेर एंड राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा पैटर्नाइज खला। देखो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो फ्लरिश किया ना, वो संसार चंद के टाइम पर फेमस हुआ। संसार चंद अपने आप में बहुत फेमस था और उसने ही कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को फिर आगे वो लेकर गया। ठीक है, गुलेर गोवर्धन चंद के टाइम पर, और कांगड़ा जो है फिर वो धीरे धीरे गुलेर के बाद आया बेसिकली, लेकिन राजा संसार चंद के टाइम पर जो है वो फेमस हुआ। ठीक है, इट इज मिक्स ऑफ मुगल एंड राजपूत आर्ट। यहाँ पर जो है वो आपको मुगल पेंटिंग की छाप थोड़ी देखने को मिलेगी। 1775 संसार चंद मेड सेंटर ऑफ पहाड़ी पेंटिंग इन सुजानपुर टीरा। तो मैं आपको ना एक छोटा सा आइडिया सा दे देती हूँ, यहाँ पे संसार चंद रहता तो कांगड़ा के फोर्ट में था। लेटर ऑन जो है वो कांगड़ा का फोर्ट जो था, पहले थापा जो नेपाल का था, अमर सिंह थापा, उसके हाथों चला गया, उसके बाद महाराज रंजीत सिंह के हाथों चला गया। तो संसार चंद बहुत समय तक जो है वो कांगड़ा मेन फोर्ट से अलग जगहों पर रहा। तो जब वो गुलेर में रहा, जब वो सुजानपुर टीरा में रहा, जब वो अलग अलग जगह पर रहा, तो वहाँ वहाँ पर उसके साथ में ये पेंटिंग भी साथ साथ में गई। ठीक है, तो फट्टू एंड पद्मा, ये याद रखना, ये फट्टू और पद्मा जो है ये द फेमस पेंटर ऑफ हिज कोट। सुजानपुर टीरा मतलब जो संसार चंद जो है उसके कोट के थे, तो ये कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को बिलोंग करते हैं, फट्टू और पद्मा। ठीक है, दो पेंटर, फेमस पेंटर। सेंट्रल थीम ऑफ कांगड़ा पेंटिंग वॉज लॉर्ड कृष्णा एंड हिज लव्ड राधा, एज आई टोल्ड यू कि ज़्यादातर यही है। द मेन थीम ऑफ कांगड़ा इज रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल। सैलकोट पेपर, ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ का पेपर यूज होता था, सैलकोट जो कि अभी पाकिस्तान चला गया एरिया, सैलकोट पेपर जो है वो पेंटिंग के लिए यूज होता था यहाँ पर। और ब्लू प्रिंट के लिए जो है वो डियर का लेदर, हिरन का लेदर यूज करते थे। फेमस वर्क, ज्यादातर फेमस वर्क जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के हैं वो है गीता गोविंदा, बारहमासा, रामायण, भगवद गीता, ठीक है दिस इज भगवद गीता, रसिक प्रिया, रागमाला, नाल दमयंती, पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग्स एंड रॉयल फैमिली, ये सब काम जो है वो ज्यादातर हुआ है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में। कांगड़ा पेंटिंग हैव रिसीव ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑल्सो विच गिव्स देम अ यूनिक आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड मार्केट। आपको पता होगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक एरिया स्पेसिफाई होती है, जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो उस ज्योग्राफी से वो स्पेसिफिकली जुड़ जाता है, ऑथेंटिसिटी आ जाती है कि इसका ओरिजिन जो है वो इस जगह से हुआ था। फाइन, सो दिस इज अबाउट कांगड़ा पेंटिंग। मेजर चीज़ें याद रखनी है कि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग बेसिकली ग्लोरी स्कूल ऑफ पेंटिंग से निकला, और उसे जो है वो संसार चंद ने जो है वो पैट्रनाइज किया आगे। फट्टू और पद्मा दो इसके फेमस पेंटर्स थे, राधा कृष्णा के थीम के अराउंड ज़्यादातर पेंटिंग्स हुई हैं। ठीक है, और इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी मिल चुकी है। और राइट, नेक्स्ट चलते हैं अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग विच इज़ इन सोलन। अर्की इज़ इन सोलन, ठीक है, तो अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग भी फेमस हुआ ड्यूरिंग फ्यू किंग्स इन के। अर्की वॉज द कैपिटल ऑफ बागल स्टेट, ठीक है, प्रेजेंट डे सोलन डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैंने आपको बताया। बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है उसका इन्फ्लुएंस हुआ अर्की पे। बाद में जब कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग आया तो उन्होंने वो स्टाइल अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग ज़्यादा फेमस था। ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजा मेहर चंद, राणा भूप चंद, इट वॉज बशौली कलम, बट अंडर राजा जगत सिंह एंड राजा शिव सरन कांगड़ा कलम जो है वो यहाँ पे फेमस हुई। तो देखो मेहर चंद और भूप चंद के टाइम पर बिशौली कलम, और जगत सिंह और शिव शरण के टाइम पर जो है वो कांगड़ा कलम यहाँ पे फ्लरिश हुई। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन था पहले राजाओं में से, कौन था, मेहर चंद, जिसके टाइम पर पेंटिंग जो है वो ज्यादा पैट्रोनाइज हुई अर्की में। अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज फाउंडेड बाय राजा सुभाष चंद,
ठीक है, एंड द पेंटिंग ऑफ द स्कूल डील विद शिव पार्वती, कृष्णा राधा कृष्णा, नायक नायिका थीम, रसिक प्रिया ऑफ केशवदास, इन सब के आसपास जो है वो घूमती हैं। नेक्स्ट इज योर चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग। सो यही फेमस हैं, बशौली, कांगड़ा, दिस अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग और चंबा, यही मेजर है। राजा उदय सिंह वॉज द फर्स्ट वन टू पैटर्नाइज दिस पेंटिंग इन चंबा। द स्कूल इज फेमस फॉर मिनिएचर। मिनिएचर पेंटिंग होती है कि एक आपका ये पेपर है, मान लो अगर ये पेपर है, हो सकता है कपड़े पे पेंटिंग हो, किसी में भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पे छोटी 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 हर चीज दिखाई गई है। मान लो राजा के दरबार, एक राजा राजा के राज्य का पूरा दृश्य दिखाना है, तो मिनिएचर पेंटिंग क्या होगी ना, वो यहाँ जैसे उसका दरबार दिखा देंगे, यहाँ जैसे मार्केट दिखा देंगे, यहाँ लोग दिखा देंगे, यहाँ वॉर दिखा देंगे, मतलब एक ही चीज़ में वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिखा देंगे। दैट इज़ कॉल्ड मिनिएचर। छोटी 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 बहुत सारी चीज़ें जो हैं होंगी, ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग। यूजली चंबा पेंटिंग डिपिक्ट रिलीजियस थिंग्स एंड फ्रॉम द लाइव्स ऑफ लॉर्ड रामा एंड लॉर्ड कृष्णा। डेवलप्ड टू टाइम्स एट द टाइम ऑफ किंग पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह के टाइम पर ये ज़्यादा फैली है। 1658 पोर्ट्रेट ऑफ पृथ्वी सिंह एंड शाहजहां स्टिल अवेलेबल। लाइक पृथ्वी सिंह जो था उस समय शाहजहां था, तो शाहजहां द मुगल, ठीक है, फेमस मुगल, इन दोनों का पोर्ट्रेट है जो कि अभी भी है। निक्का, रांझा, छज्जू एंड हरकू, भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, निक्का, रांझा, छज्जू और हरकू, ये फेमस पेंटर्स है। फट्टू और पद्मा पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, देवीदास पहले हमने पढ़ा है। निक्का, रांझा, छज्जू और हरकू, ये चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग के फेमस पेंटर्स थे। पोर्ट्रेट ऑफ किंग उग्रसेन जो है, ये विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है अभी भी, ठीक है। तो चंबा के मैंने आपको पहले ही बताया था, रिलेशंस अंग्रेजों के साथ काफ़ी अच्छे थे पुराने समय से ही, तो यस, ठीक है, किंग उग्रसेन का जो है वो पोर्ट्रेट है कहाँ पर, लंदन में। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं अदर आर्टिस्ट की बात करें। गोलू वॉज द आर्टिस्ट फ्रॉम नूरपुर, अंगद वॉज द आर्टिस्ट फ्रॉम सिरमौर, एंड भगवान एंड संजू वर द आर्टिस्ट फ्रॉम कुल्लू। ऐसे आपको ऑप्शंस आ सकते हैं पेपर में कि बताइए गोलू जो पेंटर था वो कहाँ से था, अंगद कहाँ से था, फट्टू कहाँ से था, पद्मा कहाँ से था, हरकू कहाँ से था, ठीक है, इस तरह से आ सकते हैं। सो ड्यूरिंग राजा कृपाल पाल, बशौली पेंटिंग वॉज एट इट्स पीक पे थी बशौली पेंटिंग, लेकिन बाद में बिशौली पेंटिंग जो है वो उसका डाउनफॉल हो गया और कांगड़ा पेंटिंग जो है वो उभर के आई। द ग्रेट पेंटर निकोलस रॉडिच बिलोंग टू रशिया। रशिया से थे, आपको पहले बता दिया मैंने, कुल्लू में रहे हैं। फेमस पेंटर सरदार शोभा सिंह जो थे, उनकी पेंटिंग्स फेमस जो हैं, सोनी, मेहवाल, हीर रांझा, कांगड़ा ब्राइड, गद्दन। क्वेश्चन कैसे आता है, सोनी मेहवाल वॉज अ फेमस पेंटिंग ऑफ विच पेंटर, या कांगड़ा ब्राइड जो है वो फॉलोइंग में से किसकी पेंटिंग थी, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये था अबाउट पेंटिंग्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फोक सॉन्ग्स। फोक सॉन्ग्स की बात करेंगे। पहाड़ी फोक म्यूजिक इज डाइवर्स। यस, देखो मंडी के अलग होंगे, चंबा के अलग होंगे, शिमला में अलग गाने गाए जाते हैं, लोकल सॉन्ग्स, हाँ कुछ हैं जो पूरे हिमाचल में गाए जाते हैं, लेकिन फेमस जो लोकल सॉन्ग्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं, ठीक है, लोकल के हिसाब से। पहाड़ी फोक म्यूजिक इज डाइवर्स बिकॉज ऑफ द वास्ट कल्चर डाइवर्सिटी। Each district has a distinct culture and customs. Folk song here is associated with history. देखो folk song किस किस से related होंगे, या तो history से, या धर्म culture से, customary lifestyle से, ठीक है, इस तरह से। But most songs sung in Himachal are associated with love ballads and heroic ballads, praise of God, season ballads, मतलब season के हिसाब से भगवान के praise के लिए heroic काम किया हो किसी ने, किसी ने बड़ा बलिदान दिया हो उसके लिए, ठीक है, और सोशल रिक्रिएशन, इस इन तरह की चीज़ों के लिए। दिस शोज हाउ रिच वॉज द कल्चर ऑफ द प्लेस, डेफिनेटली। तो चंबा की बात करते हैं, हम एक एक डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जहाँ जहाँ फेमस कुछ सॉन्ग्स हैं उनकी बात करेंगे। चंबा डिस्ट्रिक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट फेमस सॉन्ग्स हैं, जैसे फुलमुरुंजू, कुंजू चंचलो, सब नहीं सुना होगा, राजा गद्दन, भुक्कू गद्दी, नौला, लच्छी, एंचलिया। एंचलिया समझते हो, एक दूसरे को कमेंट करना एक तरह से, ठीक है, इनको टप्पे बोलते हैं पंजाब में और एंचलिया बोलते हैं हिमाचल में। सूही गीत, सूही मेला होता है नैना देवी की याद में वहाँ पर, उनके लिए उस टाइम में टाइम वहाँ पर सूही गीत गाए जाते हैं। सुकरात और कुंजड़ी, ये जो है वो गाने गाए जाते हैं चंबा के हैं। ये क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, फुलमुरुंजू कहाँ का फोक सॉन्ग है, या राजा गद्दन कहाँ का फोक सॉन्ग है, या नौला कहाँ का फोक सॉन्ग है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आप दो चार बार पढ़ लो, इनको याद हो जाएगा।
एक ही बार में मत पढ़ना, ब्रेक लेके 2 दिन बाद फिर पढ़ लेना, ब्रेक लेके 2 दिन बाद फिर पढ़ लेना, तो इस तरह से रिविजन हो जाएगा। फाइन, कांगड़ा के फोक सॉन्ग्स की बात करते हैं। हरी सिंह राजिया, हरी सिंह राजिया, ठीक है, नूरपुरा दिए खतरेड़िए, सूलिया टंगोई गई मेरी, गई मेरी जान, पृथ्वी सिंह इंद्र इंद्रदेई, पिंड दया लंबड़ा, शिठणियाँ, शिठणियाँ भी ऐसी होती हैं कमेंट्स करना एक दूसरे के ऊपर, और घोड़ी, घोड़ी जो है वो शादियों पे गाई जाती हैं, घोड़ियाँ जो गाई जाती हैं वो शादियों पे, घोड़ी वाली, वो वाली घोड़ी नहीं है, ठीक है, बट ये गानों को घोड़ी बोलते हैं जो कि शादियों पे गाई जाती हैं, ठीक है। सो ये हैं कांगड़ा के कुछ फोक सॉन्ग्स, और भी हो सकते हैं। मंडी के निर्मंडारी ब्राह्मणी है, मनी राम पटवारिया, ना मनिया ओ हंसा, जिया लाल बिंदिए, छिंज, छिंज होती है कुश्ती, कुश्ती वाले सॉन्ग्स वो भी होते हैं, और छंजोटी भी बोल देते हैं, पंच पत्रा और देवकू, ठीक है, ये बड़ी बार आया पेपर में, देवकू कहाँ का फोक सॉन्ग है, निर्मंडारी ब्राह्मणी कहाँ का फोक सॉन्ग है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सो ये मंडी के फोक सॉन्ग्स हैं। फोक सॉन्ग्स ऑफ बिलासपुर, मोहना, अब मोहना के बारे में पता होगा आपको कि एक पर्सन था जिसको फंसा दिया था राजा के पास, उसको फांसी वांसी हो गई थी, उसके ऊपर सॉन्ग है, गंगी गंभरी बालो ज्यूटी, ये बिलासपुर के सॉन्ग्स हैं। फोक सॉन्ग्स ऑफ कुल्लू, शिमला, सिरमौर, ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर हैं, लमन कुल्लू में भी होता है, शिमला में भी होता है, सिरमौर में भी होता है, झूरी, नाटी, नाटी सिरमौर वाली है, मतलब सिरमौर में भी होती है ना, मैं कहूँगी दिस नाटी इज समथिंग, ये गाना गाना भी है, नाटियों के गाने अलग होते हैं, और ये डांस भी है नाटी, ठीक है, और मैं कहूँगी कि ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया को नहीं है, वैसे तो ये पूरे ही हिमाचल को बिलोंग करती है नाटी, बट अगर स्पेसिफिकली बात करें तो कुल्लू शिमला सिरमौर। एंड हार, ये सॉन्ग्स की बात हो रही है, अभी डांस की नहीं हो रही है, डांसेस आगे आएंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक सॉन्ग्स, राइट। अभी हम बात करते हैं डांसेस की, हिमाचल के डांसेस की। सो डांसेस की बात करते हैं, एंड विल टॉक अबाउट हिमाचल और पहाड़ी फोक डांसेस आर सिंपल डांसेस एंड अ परफॉर्म टू एक्सप्रेस जॉय एंड हैप्पीनेस अमंग देमसेल्व्स। ऑब्वियसली आपको पता कितनी मस्ती हो गए, मतलब हिमाचल के लोग अगर डांस करते हैं बड़े धीरे धीरे इंजॉय करके करते हैं, जिस तरह के लोग हैं बहुत ही सिंपल सादे और शांति प्रिय, वैसा ही उनका डांस भी है, बहुत धीरे धीरे इंजॉय करके करते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे डिफरेंस देखो, पंजाब के लोग एनर्जेटिक बहुत हैं, फास्ट फॉरवर्ड एनर्जेटिक, तो वहाँ भांगड़ा होता है। हिमाचल के लोग स्लो सॉफ्ट और मजे करने वाले लोग हैं, ठीक है, शांत रहने वाले लोग हैं, तो डांस भी देखो वैसा ही आगे, सॉन्ग्स भी आगे वैसे ही हैं, ठीक है। फोक डांस ऑफ आर परफॉर्म फॉर अराइवल ऑफ सीजन, वेडिंग में, फेस्टिवल्स में, फेयर, बर्थ ऑफ चाइल्ड, तब गाए जाते हैं। नाटी इज द मोस्ट पॉपुलर, विच इज क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एज द फोक डांस ऑफ द स्टेट, मैंने ऑलरेडी कहा आपको, नाटी को तो हम पूरे हिमाचल का फोक डांस कह सकते हैं। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति के डांसेस, शांद शाबू लंगदारमन, ये बड़ी बार पेपर में पूछा गया है, शांद शाबू लंगदारमन के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि ये कहाँ के लोकल डांसेस हैं, फोक डांसेस हैं, तो ये लाहौल स्पीति के हैं। किन्नौर के देखो, डेविल डांस जिसको कि छांब बोलते हैं, हालांकि डेविल डांस लिखा हुआ भी नहीं आता, सिर्फ सिर्फ छांब लिखा हुआ जाता है, क्यांग कियांग बकियांग ब्यांगचू जात्रू कियांग जप्रो, ये सब, ये कियांग कियांग जो है ना, ये सब ये किन्नौर वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे सिरमौर की बात करते हैं। बिजसू, गी, नाटी, रासा, झूरी, बुद्धा। मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, देखो मैं कहूँ, मुझे बहुत समय हो गया हिमाचल जी के पढ़ाते हुए, मैं नहीं कहूँगी कि आप मेरे को कभी भी किसी भी टाइम पूछो और पूछो कि सिरमौर में कौन कौन से डांसेस हैं तो मुझे याद होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इतनी बार पढ़े हैं, जब सामने रखे होंगे ना तो याद आ जाएगा कि ये सिरमौर का है, ठीक है। तो यही कह रही हूँ कि रट्टा मत लगाना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसको 2-4-5 बार पढ़ लो, आपको वैसे ही रिकॉल हो जाएगा। और अगेन मैं कह रही हूँ, पेपर में कैलकुलेटेड गेस करने में आप माहिर हो जाओगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अगर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप अच्छी तरह से समझते हो कि कैलकुलेटिव गेस की कितनी का कितने मायने होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुल्लू की बात करते हैं। कड़थी, ढीली, रुझका, ठीक है, कड़थी, ढीली, रुझका, ये डांसेस हैं कुल्लू के, ठीक। चंबा की बात करें, फूल यात्रा डांस, ये बड़ा फेमस है, फूल यात्रा डांस पांगी वाले एरिया में होता है। चुराही, झांझर, डांगी, दीपक, घुरेई, ये चंबा के डांस हैं, ठीक है। यार अगर आप ना ट्रिक भी बना सकते हो, जैसे एक बंदा खड़ा है ये,
ये एक बंदा खड़ा है, इसकी बाजू है, और इसने एक डांग पकड़ी अपने हाथ में, मान लो एक हाथ में इसने दीपक पकड़ा है अपना, ठीक है, और इस तरह से अपने दिमाग में, और एक गले में इसने फूलों की माला बनाई हुई है, ठीक है। तीन डांग से याद हो गए चंबा के, कौन से? डांग भी और दीपक भी और फूल यात्रा भी, समझ रहे हो? और इस तरह से आप कुछ भी बना दो। और इसने पैर में झांझर पहन रखी है, ठीक है, पैर में इसने झांझर पहन रखी है। अब देखो ये चार डांग तो 100% चंबा के हो गए, क्या? डांगी, दीपक, फूल यात्रा और ये झांझर। अब ये बंदा याद रहेगा आपको जिसके एक हाथ में डांग है, मतलब डंडा है, समझते हो ना, और एक हाथ में दीपक है, गले में हार है और पैर में झांझर है। ये चारों डांसेस चंबक हैं। ये सिली चीज हो सकती है किसी के लिए, बट ये याद रखने के लिए बहुत ही सही चीज हो जाती है किसी समय पर, ठीक है। आगे चलते हैं, शिमला। आप ऐसा कुछ भी बना सकते हो, जस्ट टू टेल यू। शिमला में देखो थोड़ा थोड़ा भी बोलते हैं इसे, वॉर डांस होता है ये, ठीक है, कौरव और पांडवों का एक दृश्य सा दिखाया जाता है। छुहारा डांस जो है वो महासू में किया जाता है, पूरे एरिया में। घी, माला, बूरा और सिन, ठीक है, ये जो है वो कहाँ के हैं? घी, माला, बूरा और सिन, थोड़ा और छुहारा। देखो छुहारा, घी, बूरा, कुछ बना सकते हो इसका, ठीक है, क्या लड्डू ही बन जाएंगे तो जैसा भी रहेगा आपको, बट आपको याद रखना है, सिली चीजें ज्यादा याद रहती हैं पेपर में, मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट इज योर ड्रामास। तो ये थे डांसेस, नाउ विल टॉक अबाउट ड्रामास। सो हिमाचली फोक ड्रामास हैव डेवलप्ड ओवर द सेंचुरीज, ऑब्वियसली। अब देखो लेकिन ड्रामा ना छूट गए हैं पीछे कहीं हमारी हिस्ट्री में, आज बहुत कम लोग हैं जो इसको आगे लेकर जा रहे हैं या जिन्होंने प्रिजर्व करके रखे हैं, मैं ये कहूँगी, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है अभी ड्रामाज। दो मैनी पीपल हैव नाउ बिकम, मैनी मैनी ऑफ दीज ड्रामाज हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बट सम आर, यू नो, कुछ जो है वो प्रिजर्व किए हैं लोकल फोक्स ने। तो देखो क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा, शिमला का ड्रामा इज करियाला, बिलासपुर का स्वांग और धाजा, मंडी का बांठड़ा और बांठड़ा या बांठड़ा इस तरह से बोल देते हैं, कांगड़ा का भागटू, चंबा का झांकी और हांतर, और कांगड़ा हमीरपुर का चंद्रौली भी है, ठीक है। सो ये फेमस एरिया वाइज जो है वो ड्रामा है। शिमला का क्वेश्चन आ जाएगा कि करियाला कहाँ का फेमस ड्रामा है, शिमला का, बांठड़ा कहाँ का है, मंडी का, और स्वांग कहाँ का है, बिलास। आपने सुना है वैसे हिमाचल में चीजें बोली, ये क्या स्वांग रचा हुआ है? स्वांग मतलब जब ड्रामा करते हैं तो कोई कॉस्ट्यूम बनाया होता है, फेस पे कुछ लगाया होता है, तो वो स्वांग है, ठीक है। तो यूजुअली ना हमारी भाषा में ये शब्द चले गए हैं, हम बोलते ये क्या स्वांग रचा हुआ है, मतलब ये क्या ड्रामा चल रहा है। तो समझ रहे हो आप इन चीजों को, ये क्या कोई चीज बिखेरी हुई है, क्या बांठड़ा है। तो थिंग इज कि ये चीजें हमें एक्चुअल नहीं पता कहाँ से आई हैं, लेकिन ये हमारे लैंग्वेज में अंदर तक जा चुकी हैं। तो मैं जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ आपको याद करवाने का, स्वांग इन धाजा बिलासपुर का ड्रामा है, बांठड़ा मंडी का है, भागटू कांगड़ा का है, झांकी हांतर चंबा का है, चंद्रौली कांगड़ा और हमीरपुर का, फाइन, ये दीज आर द ड्रामास। एंड देन कम्स द फेयर एंड फेस्टिवल्स। फेयर एंड फेस्टिवल्स, देयर आर एज मेनी एज 7 इंटरनेशनल फेयर हिमाचल के, इंटरनेशनल फेयर, क्वेश्चन सीधा आ सकता है यहाँ से कि इंटरनेशनल फेयर कितने हैं हिमाचल में, 7, एंड सेलिब्रेटेड इन द स्टेट। दे आर हिस्टोरिकली, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री वाइज बहुत लंबी हिस्ट्री से चले आ रहे हैं, कल्चरली इंपॉर्टेंट है, हमारे कल्चर में गए हुए हैं, और इकोनॉमिकली भी, क्योंकि जब फेयर फेस्टिवल होते हैं तो मार्केट्स होती हैं, ट्रेड बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, जिससे कि इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी आती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं 7 इंटरनेशनल, और फिर हम बाकी के अदर फेयर्स की भी बात करेंगे। सो लेट्स डू इट क्विकली, हमें बहुत कुछ पढ़ने को अभी भी। कुल्लू का दशहरा डेफिनेटली फेमस है ना, स्टार्टेड इन 1651, धौलपुर ग्राउंड में मनाया जाता है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मिंजर मेला चंबा का, स्टार्टेड बाय साहिल वर्मन, चुगान में होता है। रेणुका मेला सिरमौर का, हेल्ड इन मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। शिवरात्रि मेला मंडी का, अगेन इंटरनेशनल है, जो कि अजबर सिंह ने स्टार्ट किया था, पटेल ग्राउंड में होता है। होली मेला सुजानपुर टीरा का, हमीरपुर में होता है, इट इज स्टार्टेड बाय संसार चंद ऑफ कांगड़ा। लवी मेला, इट दिस इज द ओल्डेस्ट मेला, जो कि ओल्डेस्ट इंटरनेशनल मेला है, दिस इज इन रामपुर मनाया जाता है ये, और ये स्टार्ट किया था केरी सिंह ने। विंटर कार्निवल मनाली का फेमस है, कुल्लू का, ये दीज आर 7 इंटरनेशनल फेयर इन हिमाचल, फाइन।
बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने को है. मैं चाह रही हूँ कि ये बहुत जल्दी आपका ये कवर हो जाए सारा सिलेबस. ठीक है, अदर्स डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फेयर की बात करें, नलवाड़ी मेला बिलासपुर का फेमस है. ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड बाय डब्ल्यू गोल्डस्टीन, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है. 1889 में स्टार्ट किया था. ठीक है, यहाँ पर एनिमल फेयर होता है, स्पेसिफिकली पशु मेला है ये जिसको नलवाड़ कहते हैं. नैना देवी मेला बिलासपुर में होता है. गुग्गा फेस्टिवल जो है वो बिलासपुर हमीरपुर दोनों में मनाया जाता है. मारकंडा बिलासपुर में है तो वहीं होगा. डूंगरी मेला इज इन कुल्लू मनाली में. ठीक है, जो कि हिडिम्बा गॉडेस के लिए मनाया जाता है. सरही यात्रा कुल्लू में होती है. ठीक है, सरही यात्रा सारही यात्रा कुल्लू में मनाई जाती है. देन डल मेला कांगड़ा में होता है. एंड ज्वालामुखी मेला कांगड़ा में होता है. नगीनी मेला कांगड़ा में होता है. कलेश्वर मेला कांगड़ा में होता है. ड्योट सिद्ध हमीरपुर में होता है. गसोटा फेस्टिवल हमीरपुर में होता है. लोसर फेस्टिवल कांगड़ा में होता है. फ्लेच जो है वो किन्नौर में होता है. देन बफलो फेयर शिमला में होता है. सिप्पी फेयर शिमला में होता है. स्टोन फेयर पत्थर का खेल शिमला में होता है. शांद शिमला में होता है. एंड फाग मेला भी शिमला में होता है. भरमौर यात्रा चंबा, फूल यात्रा चंबा, सूही मेला चंबा, मणि महेश यात्रा चंबा, पिपलू फेयर उन्ना, बड़भाग बाबा बड़भाग सिंह मेला उन्ना में, चिंतपूर्णी उन्ना में, शूलिनी सोलन में, सारई सोलन में, अंत्रलोकपुर जो है वो सिरमौर में, माहुनाग मंडी में. ठीक है, माहुनाग मेला मंडी में, शेषु फेयर रिवालसर में, शीतला फेयर जो है वो सुंदरनगर मंडी में होता है. नलवाड़ी जो है वो सुंदरनगर में भी होता है, बिलासपुर में भी होता है. बिलासपुर वाला स्टेट है. ठीक है, एंड दिस वन इज ऑल्सो स्टेट लेवल नाउ. नलवाड़ी फेयर मंडी में भी होता है, संधोल में. ठीक है, देन कमरूनाग फेयर ये मंडी में होता है, रोहांडा में. त्रिलोकनाथ उदयपुर लाहौल स्पीति में होता है, विच इज़ नाउ फेमस टेम्पल. लदारचा जो है वो काजा में होता है. तो ये कुछ फेयर एंड फेस्टिवल हैं. आगे हम टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, मैंने ये क्विकली लिया है, आप इसको दोबारा दोबारा एक बार पढ़ सकते हो. पॉज करो, वापस जाओ, फिर पढ़ो. ऑलराइट, नेक्स्ट वी गन स्टडी टेम्पल आर्किटेक्चर. सो टेम्पल आर्किटेक्चर हिल्स का अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल देखें तो 7 डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वो हमें मिलते हैं हिल्स में. और ये स्टाइल हैं जैसे कि पेंट रूफ और वेरेंडा, ठीक है, एंड पगोडा स्टाइल, पिरामिडल स्टाइल, सतलुज वैली और अ फ्यूजन. पेंट रूफ भी बोलते हैं इसे और पगोडा टाइप, इन दोनों का फ्यूजन है ये. पेंट रूफ हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, पगोडा भी हम पढ़ेंगे. हम एक एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे. मैं जस्ट नाम बता रही हूँ आपको, ये सतलुज वैली टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है. शिखरा स्टाइल जिसको हम नगरा स्टाइल भी बोलते हैं या नगारा बोल देते हैं. डोम्ड स्टाइल एंड फ्लैट रूफ्ड टेम्पल, ये 7 तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर मेनली हिली हमारे हिमाचल में देखने को मिलते हैं. सो एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे पेंट रूफ स्टाइल की. सो पेंट रूफ स्टाइल को अगर हम देखें, ये जो मरिकुला देवी टेम्पल है लाहौल में, ये बहुत फेमस टेम्पल हो गया है अभी. और ये पेंट रूफ स्टाइल है, आपको दिख रहा है पीछे से ये ऐसे कॉनिकल है, आगे से इस तरह से, और आगे जो है वो इस तरह से वरांडा सा है बना हुआ. ठीक है, तो इस स्टाइल ऑफ इस आर्किटेक्चर स्टाइल को हम पेंट रूफ स्टाइल कहते हैं. इंडिजिनियसली स्टाइल्ड सर्कुलर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर विद स्लैंटिंग रूफ मेड ऑफ रोज एंड रोज ऑफ स्लेट्स, है ना. तो ये स्लेट्स जो हैं वो घास भी हो सकता था पुराने टाइम में, बट यूजली स्लेट्स होती हैं हिमाचल में. डिजाइन टू कीप हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल फ्रॉम कवरिंग दिस. द रूफ एक्सटेंड्स ओवर द कवर्ड वरांडा, जो रूफ है ये आगे इसका वरांडा बना हुआ है. ठीक है, विच सर्व द पर्पज ऑफ प्रदक्षिणा राउंड द श्राइन. ठीक है, प्रदक्षिणा यहाँ पे की जा सकती है. देन देयर इज पिकुलर अरेंजमेंट ऑफ वुड एंड स्टोन इन बिल्डिंग द वॉल्स. पुराने स्टाइल में, पुराने हिमाचल में जो है वो इस तरह से वुड और स्टोन और मड यूजुअली यूज होती थी, है ना. सो अभी मॉडर्न स्टाइल में हम कॉन्क्रीट यूज करते हैं प्रॉपर, राइट. वुडन बीम्स आर लेड एट राइट एंगल द वॉल एंड इंटर. इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप इसको एक ध्यान से भी देख लोगे ना कि व्हाट दिस स्टाइल सेज, किस तरह का है पेंट रूफ, तो इस तरह से स्लैंटिंग रूफ है और आगे एक बरांडा सा बना हुआ है, इस तरह का मंदिर है. ठीक है, तो एग्जांपल क्या क्या है. लक्षणा देवी टेम्पल भरमौर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. शक्ति देवी छतराड़ी का, काली देवी और मरिकुला देवी लाहौल का जो यहाँ पर है, और बिजली महादेव, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं और चारों जो है वो पेंट रूफ स्टाइल में बने हुए टेम्पल हैं. आगे चलते हैं और हम बात करेंगे पगोडा स्टाइल की, विच इज़ द मोस्ट फेमस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इन हिल्स हमारे हिमाचल में स्पेसिफिकली.
सिमिलर टू पेंट रूफ टेम्पल ऑफ प्लान स्टाइल, आपको देखोगे आपने चाइना जापान के भी इस तरह के टेम्पल्स बहुत सारे देखे होंगे, है ना? तो ये उस तरह का कुछ फॉर्म है. द डिफरेंस लाइज इन द सुपर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें मल्टी स्टोरी होती है और एक के ऊपर एक इस तरह से लेयर्स होती हैं, है ना? स्टोन एंड वुड स्ट्रक्चर विद सक्सेसिव रूफ्स. तो रूफ जो है एक के ऊपर एक और ग्रेजुअली ये डिक्रीज होता जाता है साइज में ऊपर की तरफ. ईच स्लैंटिंग रूफ कंसिस्ट ऑफ रोज ऑफ स्लेट्स लाइक इन पेंट रूफ. स्लैंटिंग होता है पर बीच में आपको आप दिख रहे हो किस तरह से शेड्स बने हुए हैं बीच में, ठीक है? दे आर बिलीव टू हैव चाइनीज एंड तिब्बतन इन्फ्लुएंस इन आर्किटेक्चर ऑब्वियसली, राइट? ऐसे जैसे मैंने आपको पहले बताया, चाइना में भी आपको इस तरह का मिलेगा, थोड़ा डिफरेंट होता है वो, ये बहुत सिंपल स्टाइल है. जापान में भी आपको इस तरह से देखने को मिलता है. सो हिडिम्बा देवी और डूंगरी का जो टेम्पल है मनाली में, हिडिम्बा देवी का द मोस्ट फेमस वन, वो इसमें है. त्रिपुरा सुंदरी कुल्लू नगर में, वो भी पगोड़ा स्टाइल है. आदि ब्रह्मा का टेम्पल कुल्लू में, ब्रह्मा के बहुत ही कम टेम्पल हैं पूरे दुनिया में कहूँ मैं, और अगर हम इंडिया की बात करें तो जो मेन आदि ब्रह्मा टेम्पल है दैट इज इन पुष्कर राजस्थान. देन शुंगरा महेश्वरा जो है इट इज़ इन किन्नौर, ये भी पगोड़ा स्टाइल में है, ठीक है? देर इज वन मोर टेम्पल आपका पराशर ऋषि टेम्पल, दैट इज ऑल्सो पगोड़ा स्टाइल. नेक्स्ट हम बात करते हैं पिरामिडल स्टाइल. आपको दिख रहा है ये इस तरह से पिरामिड है इस आ रही है और बीच में बिल्कुल पतला सा स्ट्रक्चर हो जाता है इसका. दिस इज कॉल्ड पिरामिडल स्टाइल. और ये जो स्टाइल है यूजुअली हमारे शिमला वाले एरिया में फेमस है, ठीक है? महासू वाले एरिया में फेमस है. इन विच फोर लोअर इलेव्स ऑफ द टेम्पल रूफ आर इक्वल लेंथ. ये जो है वो इक्वल लेंथ की होती हैं, ठीक है? एंड द रूफ गोज ऑन नैरोइंग टूवर्ड्स द सेंटर. सेंटर की तरफ ही नैरो हो जाता है और ये पिरामिड की फॉर्म इसे देता है. तो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स कौन से हैं? हटकोटी का हटेश्वरी देवी टेम्पल शिमला में है, दिस इज द फेमस वन. शिवा टेम्पल हटकोटी, महासू टेम्पल देवरा जुब्बल शिमला में, और शिवा टेम्पल देवरा जुब्बल शिमला में ही, ठीक है जी? तो ये पिरामिडल स्टाइल्स हैं. नेक्स्ट वन इज योर सतलुज वैली स्टाइल. ये भी बहुत फेमस स्टाइल है आपका काटकुनी, ठीक है? सतलुज वैली स्टाइल, अ ब्लेंड ऑफ पेंट रूफ एंड पगोड़ा, ठीक है? पेंट रूफ मतलब ऊपर से स्लांट बना हुआ है और पगोड़ा की नीचे भी लेयर है, ऊपर भी छोटी और लेयर है, ठीक है? तो ये थोड़ा मिक्सचर जो है वो आ जाता है यहाँ पर, राइट? ओके. इट इज स्टाइल, इट इज अ स्टाइल ऑफ मंडप विद विच वन और मोर पगोड़ा रूफ अबव द गर्थ और गृहा और द कॉरेस्पॉन्ड्स टू शिखरा, ठीक है? तो ये प्रॉपर देखो ये जो है यहाँ पर डेटी लाए करते हैं और इस तरह से प्रॉपर शिखर की तरफ जो है वो जाता है ये टेम्पल, ठीक है? और नीचे जो है वो एक फोर्ट की तरह दीवारें ऊपर उठी हुई होती हैं, राइट? फाइन. सो एग्जाम्पल भीमाकाली टेम्पल सराहन जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, बहना महादेव आउटर सिराज में, धनेश्वरी टेम्पल ये भी आउटर सिराज में, ठीक है? सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट. ये सतलुज वैली स्टाइल बोल रहे हैं तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सतलुज रिवर के अराउंड की जो सतलुज वैली है हमारी जो किन्नौर से बिलासपुर के बीच में, वहाँ पे जो अपर एरिया है उन एरियाज में जो है वो सतलुज वैली के अपर एरियाज जो हैं हिमाचल में वहाँ पे आपको ये स्टाइल देखने को मिलता है ना? जैसे कि सराहन हो गया रामपुर, नियर रामपुर, फाइन. ओके. नेक्स्ट वन इज शिखरा स्टाइल और नगरा स्टाइल और नगाड़ा स्टाइल भी बोलते हैं इनको. शिखरा टाइप जैसे ये दिख रहे हैं आपको, द मोस्ट फेमस मशरूर का टेम्पल ऑफ कांगड़ा, ये शिखरा स्टाइल है जिसमें जो पत्थर के अंदर जो है वो कार्विंग की होती है. दीज आर द स्टोन, ये स्टोन होते हैं जिनके ऊपर जो है वो कार्विंग की गई होती है. सो टेम्पल फॉलो द ओवरऑल फॉर्म एंड डिजाइन ऑफ अ टिपिकल इंडो आर्यन स्टोन टेम्पल है ये, फाइन. And some minor modification were made in these temples of the plain to adapt to the climatic conditions of the hills. तो plains और hills में minor changes हैं climatic climate की वजह से. In this tower are built of stone decorating with carving. इसमें एक और चीज़ आप ध्यान दोगे, जब stone होते हैं ना तो ये बड़े बड़े stones होते हैं, stone के carve किए होते हैं और ये इकलौते temples होते हैं जो ऊपर की तरफ से carve करना शुरू किए होते हैं नीचे की तरफ, ठीक है? इट हैज़ गॉट ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हिंदू टेम्पल. इट गॉट मंडप, पोर्च जो मेन एरिया होता है, गर्भगृह जहाँ पर मूर्ति रखी होती है, सैंक्टम जो जिसे हम बोलते हैं सैंक्टम सेक्टोरम, एंड शिखरा जो टावर ऊपर वाला जो होता है यहाँ पे कुछ रखा होता है ऊपर, एंड दीज आर शिखरा. ये तो डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, काफ़ी हद तक ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, डैमेज हो चुका है टेम्पल, ठीक है? सॉरी. सो एग्जाम्पल्स क्या है, विद्यापीठ टेम्पल बैजनाथ का जो कि कांगड़ा में है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल चंबा का, भजौरा टेम्पल कुल्लू में, ठाकुरवाड़ा टेम्पल मशरूर का, ये वाला,
ठीक है, दीज ऑल आर शिखरा स्टाइल टेम्पल्स. देन वी हैव डोम्ड स्टाइल, इस तरह से डोम, और ये जो स्टाइल है ना हमारा, ये मुगल और सिख स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड है. आपने देखा होगा गुरुद्वारों की ये शेप होती है, या मुगल के जो मुगल आर्किटेक्चर है उसमें भी इस तरह की गुंबद शेप रहती है, ठीक है, डोम शेप रहती है. सो ये श्राइन जो है हमारे, इस तरह के श्राइन्स हैं जैसे ज्वालामुखी कांगड़ा में, ब्रजेश्वरी कांगड़ा में, चिंतपूर्णी उन्ना में जहाँ पर सिख इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, कामेश्वर टेम्पल मंडी में, टारना टेम्पल मंडी में, नैना देवी टेम्पल बिलासपुर में, इनमें से आप देखो ऑलमोस्ट सभी जगह जो है वो सिख पंजाब का इन्फ्लुएंस है. ऑल राइट, देन इज फ्लैट रूफ टेम्पल, स्पेसिफिकली इन कांगड़ा वैली इस तरह से फ्लैट रूफ कई टेम्पल मिलने को देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे यूजली घर होते हैं उस तरह का फ्लैट रूफ होता है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है. आपने सिर्फ इसके एग्जाम्पल याद रखना है. और इसका जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाला टेम्पल है वो है नर्मदेश्वर टेम्पल, जो कि सुजानपुर तेहरा हमीरपुर में आता है, ठीक है, नर्मदेश्वर टेम्पल जो कि फ्लैट रूफ्ड है. और राम गोपाल टेम्पल दमसल कांगड़ा में, ये भी फ्लैट रूफ्ड है. आपने नर्मदेश्वर का एग्जाम्पल ज़्यादा याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है. क्लियर? तो ये 7 स्टाइल्स थे हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर के हिमाचल में स्पेसिफिकली, ठीक है. कौन कौन से थे? पेंट रूफ, पगोडा, पिरामिडल, सतलुज वैली, शिखरा स्टाइल, डोम स्टाइल, फ्लैट रूफ टेम्पल, ठीक है. तो ये सारे टेम्पल स्टाइल हमने एक एक करके डिटेल में देखे. नेक्स्ट इज, इसमें डिटेल में जाना हो तो यू नो हम पूरे एक दिन में, पूरे 2-3 घंटे में सिर्फ टेम्पल्स की ही बात कर सकते हैं, बट बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, और ये एक शॉर्ट मैराथन है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिविजन के लिए, तो हम इसे उतना ही शॉर्ट रखेंगे, ठीक है. मोनेस्ट्रीज इन हिमाचल की बात करते हैं टेम्पल्स के बाद. सो मोनेस्ट्रीज, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. पद्म संभवा विजिटेड तिब्बत इन 18th century, और पद्म संभवा वो फेमस मॉन्क हैं जिन्होंने हिल एरिया में बुद्धिज्म को फैलाया. रिंचन ज़ांगपो इज द मोस्ट फेमस, इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कॉलर, तिब्बतन स्कॉलर था जिसे कि तिब्बत के राजा येशेहो ने भेजा था, और इन्होंने बहुत सारी 108 के अराउंड जो है मोनेस्ट्रीज इन्होंने बनाई हैं हिल्स में, ना सिर्फ हिमाचल में बट हिमाचल में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सब जगह. Right? So he was a great scholar. He established many monasteries in Lahul Spiti and Kinnaur. Rinchen was sent to India by King Yesho of Tibet of Buddhist for Buddhist studies. Bheja gaya tha. He spent around 17 years in India. Itne saal isne study kiya, to obviously isne vihar matlab monasteries bhi banwai hain. So he built 108 viharas. Unme se famous one jo hain, jaise ki Tebo, the most famous and oldest in the world abhi. And then Konam, Gemur, Dhankar, ye sab jo hain, wo रिंचन ज़ांगपो ने बनवाए हैं, ठीक है. सो बुद्धिस्ट विहार ऑफ स्पीति की बात करते हैं हम. स्पीति में कौन कौन से इंपॉर्टेंट विहार हैं, विहार मतलब मोनेस्ट्रीज हैं. सो टैबो इज वर्ल्ड फेमस ऑन द बैंक ऑफ स्पीति रिवर. स्पीति रिवर आगे जाकर जो है वो सतलुज को मिल जाती है किन्नौर में, ठीक है, स्पीति से निकलती है. इट इज़ फाउंडेड, इट इज़ लाइक ये टैबो इज़ फाउंडेड इन 996 AD. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्पीति रिवर के अराउंड है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है. इट इज़ कॉल्ड अजंता ऑफ हिमाचल. अजंता आपको पता होगा, अजंता केव्स जो हैं आर इन महाराष्ट्र, एंड ये जो केव्स हैं आर फेमस फॉर बुद्धिस्ट यू नो पेंटिंग्स स्पेसिफिकली. सो ये इसको कहा जाता है हिमाचल के अजंता, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत ही यूनिक सा है, ठीक है, और काफ़ी पेंटिंग्स भी हैं यहाँ पर. ढांकर, कुछ तो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं. देन ढांकर मोनेस्ट्री, ढांकर का मतलब होता है ढांक, आपने सुना होगा, इज द मीनिंग ऑफ बड़ा क्लिफ सा होता है जिसमें रॉक्स होती हैं, है ना. तो ऐसा ये क्लिफ है, ऊपर छोटा सा एक गांव है ढांकर, और वहाँ पे जो मोनेस्ट्री है उसको बोलते हैं ढांकर यूनिवर्सिटी, सॉरी ढांकर मोनेस्ट्री, और उधर उसके सामने ही एक लेक है जिसका नाम है ढांकर लेक, ठीक. सो इट इज़ ऑल्सो इस्टेब्लिश बाय रिंचन ज़ांगपो. लेटर द ओरिजिनल वन डिस्ट्रॉयड बाय मंगोल्स, और बाद में इसको दोबारा से फिर हमने रिस्टोर किया. की मोनेस्ट्री जो है ये भी स्पीति में. आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि फॉलोइंग में से कौन सी मोनेस्ट्री स्पीति में नहीं है, से फॉर एग्जाम्पल टैबो, ढांकर, की, और आपसे गेमूर पूछ लिया कि इन चारों में से कौन सी स्पीति में नहीं है. सो यू विल फाइंड आउट कि टैबो, ढांकर, की जो है वो स्पीति में है लेकिन गेमूर नहीं है, ठीक है. इस तरह से भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है. लार्जेस्ट विहार ऑफ स्पीति है की जो है वो स्पीति का सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन किब्बर एंड काजा. अब मैं थोड़ा सा आपको जो है वो आइडिया दे देती हूँ किब्बर काजा का. देखो क्या है कि इफ दिस इज स्पीति तो किब्बर जो है बिल्कुल ऊपर टॉप पे है, दिस इज किब्बर, ठीक है, ऐसे, और यहाँ कहीं पे बीच में काजा होगा. काजा जो है वो सब डिविजन है, ठीक है, यहाँ पे
हेडक्वार्टर है स्पिति का, और किब्बर और काजा के कहीं बीच में जो है वो आपकी की मोनेस्ट्री आती है, ठीक है। हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि यहाँ स्पिति में है, याद रखना, ठीक है। ऑलमोस्ट बॉर्डर पे है, लोकेटेड बिटवीन किब्बर एंड काजा, एंड इट वॉज डैमेज इन 1834 बाय फायर। जो की मोनेस्ट्री है वो 1834 में आग से डैमेज हो गई थी। फाइन, नेक्स्ट वन इज योर बुद्धिस्ट विहार इन लाहौल। लाहौल में बात करेंगे गुरु घंटाल, गेमूर और शानशुर, ठीक है। गुरु शानशुर, करदांग, तायुल, ये सब लाहौल में है। तो गुरु घंटाल इज वन ऑफ द फेमस, इट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रन भागा, टांडी के नियर, जहाँ चंद्र और भागा मिलती हैं आपस में, वहाँ पर गुरु घंटाल है, ठीक है। घंटाल फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है जून के मंथ में। देन कम्स गेमूर। गेमूर 18 किलोमीटर दूर है केलोंग से, केलोंग विच इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है, लाहौल में है। देन शानशुर, करदांग, करदांग पास के पास, एंड तायुल, ये सभी, ये तीनों मोनेस्ट्रीज जो हैं ये भी कहाँ पर हैं, मोनेस्ट्रीज लाहौल में। देन कम्स बुद्धिस्ट विहार ऑफ किन्नौर। किन्नौर के बुद्धिस्ट विहार कौन कौन से हैं, कनम, पू, जंगी और लिप्पा, ठीक है। कनम जो मोनेस्ट्री है, इट इज़ अ स्मॉल विहार, बहुत छोटी सी मोनेस्ट्री है, जो कि 7 छोटे छोटे मोनेस्ट्री से मिलकर बनी है, ये भी रंचन जांगपो ने ही बनाई है। पू जो है, इफ़ दिस इज किन्नौर, तो पू भी जो है वो बिल्कुल ऊपर आपका विलेज आता है, एक छोटा सा पू, ठीक है, पू लेक भी है यहाँ पर। तो ये 11th सेंचुरी में पू विलेज में बनी हुई एक मोनेस्ट्री है। जंगी एंड लिप्पा, ये भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं, दोनों ही किन्नौर की। तो आपने याद रखना है किन्नौर में कौन कौन सी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, कनम, पू, जंगी और लिप्पा। फाइन, अगर क्वेश्चन आया रिंचन जांगपो ने किन्नौर में कौन सी मोनेस्ट्री बनाई है, कनम विहार। ऐसी कौन सी मोनेस्ट्री है जो 7 छोटे छोटे विलेजेस का ग्रुप से बनी हुई है, इट इज कनम विहार, ठीक है। इनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी लेजेंड्स हैं, कुछ भाई थे, कुछ बहन थी, और फिर वो जो है वो उन सभी के नाम पर एक एक मोनेस्ट्रीज है वहाँ पे। इसकी बहुत डीप लेजेंड्स हैं इनके पीछे, तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर हम इनको डिटेल में पढ़ना शुरू किया तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो अभी हम जस्ट प्रिलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जस्ट फैक्ट्स स्टडी कर रहे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कितनी है, कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट इज गुरुद्वारा इन हिमाचल। सो गुरुद्वारा की बात करें तो स्पेसिफिकली जो पंजाब से लगते हुए एरियाज हैं वहाँ पर ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है वहीं हो और जगह भी, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर, ठीक है, लोअर हिमाचल में ज़्यादा गुरुद्वाराज हैं। सो बिलासपुर की बात करते हैं, वी हैव बिलासपुर में गुरुद्वारा श्री बुढ़ा साहिब, ठीक है, बुढ़ा साहिब गुरुद्वारा है, जो कि गुरु तेग बहादुर केम हियर टू मॉन द डेथ ऑफ किंग दिलीप चंद। दिलीप चंद कहलूर का, बिलासपुर का राजा था, जब उसकी डेथ हो गई थी तो गुरु तेग बहादुर 9th गुरु यहाँ आए थे उनकी वाइफ जलाल देवी से मिलने, ठीक है, मॉर्न करने, उनके फ्यूनरल पे आए थे स्पेसिफिकली। तो ये वो ये उनके याद में जो है वो श्री बुढ़ा साहिब गुरुद्वारा यहाँ पर है। गुरुद्वारा श्री गुरुज लाहौर साहिब, इट इज़ लोकेटेड इन बसंतपुर, 12 किलोमीटर है अनंतपुर से दूर, और ये भी बिलासपुर में पड़ता है, ठीक है। चलिए हमीरपुर की बात करते हैं, गुरुद्वारा श्री दशम पातशाही। दशम पातशाही बोलते हैं 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी को। सो ऑब्वियसली दिस इज रिलेटेड टू गुरु गोविंद सिंह। ये कहाँ पर है, हमीरपुर में, इट इज़ लोकेटेड इन नदौन। नदौन एक बड़ी फेमस जगह है, हिस्टोरिकली फेमस है, ठीक है, ऐसे फेमस होना हो, सबने सुना भी होगा वैसे भी। आलिफ खान वॉज फिटेड हियर टू हेल्प भीमचंद। अब ये भीमचंद राजा था बिलासपुर का, पहले गुरु गोविंद सिंह जी के साथ इसकी बनती नहीं थी, बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको मदद की थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि मुगल्स ने अटैक कर दिया था कर लेने के चक्कर में, और हिल राजाओं ने कर देने से इनकार कर दिया, तो मुगलों ने अटैक कर दिया, और उस अटैक में गुरु गोविंद सिंह जी ने हेल्प की थी भीमचंद और बाकी हिल राजाओं की। नदौन की बैटल हुई थी, बैटल ऑफ नदौन उसको कहा जाता है। तो नदौन में श्री दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह के को डेडिकेटेड एक गुरुद्वारा है हमीरपुर में। फाइन, देन कम्स मंडी। मंडी में दमदमा साहिब है, दमदमा असली दमदमा साहिब जो पंजाब में, दैट इज इन बठिंडा, ठीक है। तो लेकिन मंडी में भी एक दमदमा साहिब है, दैट इज आल्सो डेडिकेटेड टू गुरु गोविंद सिंह जी, जो पंजाब में है, दैट इज आल्सो डेडिकेटेड टू गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। हियर क्यों आए थे, कैसे आए थे, वो ऑन द इन्विटेशन ऑफ राजा सिद्ध सेन। आप याद रखना, राजा सिद्ध सेन वॉज कंटेम्प्रेरी टू गुरु गोविंद सिंह जी। तो राजा सिद्ध सेन जो है मंडी का, उसने इन्वाइट किया था गुरु गोविंद सिंह जी को, वो आए थे और वहाँ पे दमदमा साहिब गुरुद्वारा है मंडी में, यू मस्ट नो कि वहाँ पे गुरुद्वारा है। गुरु कोठा गुरुद्वारा, ठीक है, गुरु कोठा भी, जगह का नाम ही गुरु कोठा पड़ गया है, गुरु कोठा, और वहाँ पर गुरु कोठा गुरुद्वारा है। ये 15 किलोमीटर पड़ता है सुंदरनगर से, और ये भी दिस इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू गुरु गोविंद सिंह जी, क्योंकि वो यहाँ पर रहे थे व्हेन ही केम टू मंडी। फाइन, देन कम्स रिवालसर साहिब, इट इज़ ऑल्सो, रिवालसर भी आपको पता है गुरु गोविंद सिंह जी गए थे, तो रिवालसर साहिब गुरुद्वारा जो है, इट इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड टू 10th गुरु। फाइन, नेक्स्ट वन इज ऊना।
उन्ना में जो गुरुद्वारा है दैट इज गुरु पलाह साहिब गुरुद्वारा, इट इज लोकेटेड इन बाथू एरिया ऑफ उन्ना, एसोसिएटेड विद गुरु गोविंद सिंह जी अगेन. ठीक है, सिरमौर की बात करते हैं. सिरमौर जो है अगेन क्योंकि वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी भी और नाइन्थ गुरु तेग बहादुर जी भी, गुरु हर राय जी भी, ये कुछ गुरु थे जिन्होंने टाइम स्पेंड किया है यहाँ पर. तो ऑब्वियसली सिरमौर जो है वो सिखिज़म का एक एरिया बनता है, स्पेसिफिक एरिया. बहुत सारे सिख पॉपुलेशन जो है वो हमारी सिरमौर में रहती है, सिरमौर एंड उन्ना स्पेसिफिकली. सो गुरुद्वारा श्री दस्तार आस्था पौंटा साहिब, ठीक है. तो दस्तार आस्था गुरुद्वारा है पौंटा साहिब में, ये लार्जेस्ट गुरुद्वारा है हिमाचल का. एंड गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ रहे थे फॉर 5 years एंड रोट दसम ग्रंथ. दसम ग्रंथ क्या है? एक है गुरु ग्रंथ साहिब जी जो कि 11th गुरु भी बोलते हैं जिनको, और एक है दसम ग्रंथ. दसम ग्रंथ में जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी की वाणियाँ हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब में जो है इसमें 6 गुरुओं की वाणियाँ हैं, पहले 5 और फिर 9th गुरु. ठीक है, 6 हो गए, पहले 5 गुरु और 9वें गुरु, तो टोटल 6 गुरु हो गए गुरु ग्रंथ साहिब में. और दसम ग्रंथ में सिर्फ और सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी की वाणियाँ हैं. एंड गुरु श्री भंगानी साहिब, भंगानी नाम आपने कई बार हिस्ट्री में सुना होगा, खासकर बिलासपुर की हिस्ट्री में, है ना. सो भंगानी जो है इज अ प्लेस इन सिरमौर वैसे तो, और यहाँ पे बैटल हुई थी 11 किलोमीटर अप्रॉक्स पौंटा साहिब से है ये, और यहाँ पे बैटल हुई थी बिटवीन भीमचंद एंड गुरु गोविंद सिंह जी. भीमचंद जो कि बिलासपुर का राजा था, उसने बहुत सारे हिल राजाओं को इकट्ठा किया और गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर अटैक कर दिया जब वो पौंटा साहिब में रह रहे थे. ऑब्वियसली गुरु गोविंद सिंह जी ने कोई भी बैटल अपनी जिंदगी में हारी नहीं है, तो जीते तो वही थे भंगानी साहिब में. लेकिन उनकी जिंदगी की, गुरु गोविंद सिंह जी की जिंदगी की ये पहली बैटल थी, और 1886 में ये बैटल लड़ी गई थी. किसके बीच में? फॉट बिटवीन गुरु गोविंद सिंह जी एंड हिली किंग्स, और हिल किंग्स को लीड कौन कर रहा था? भीमचंद ऑफ बिलासपुर. ठीक है, तो भंगानी साहिब गुरुद्वारा है पौंटा साहिब में, नियर पौंटा साहिब सिरमौर में. एंड लास्ट वन इज गुरु श्री दशमेश आस्था. दशमेश आस्था अगेन, दशमेश मतलब 10वें गुरु, तो गुरु कौन होंगे? गुरु गोविंद सिंह जी. और ये है नाहन में. तो सिरमौर में जो गुरुद्वारे हैं वो है श्री दस्तार आस्था पौंटा साहिब में, श्री भंगानी साहिब, और श्री दशमेश आस्था. ठीक है, देन कम्स योर कुल्लू. कुल्लू में भी गुरुद्वारा है, द वेरी फेमस मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, जहाँ पर गुरु नानक देव जो है वो आए थे और 1574 में वो यहाँ रुके थे. गुरु नानक क्यों आए होंगे यहाँ पे? जब वो उदासियाँ ले रहे थे. उदासियों का मतलब होता है जर्नीज. गुरु नानक देव जी ने हर दिशा में जर्नी ली है और मैसेज स्प्रेड करने के लिए. ठीक है, तो वो सबसे पहले ईस्ट आसाम की तरफ गए, फिर नीचे श्रीलंका साउथ की तरफ गए, फिर वो नॉर्थ में तिब्बत तक आए, और फिर उसके बाद वो लास्ट में जो है वो वेस्ट की तरफ गए, मक्का मदीना की तरफ. तो जब वो नॉर्थ आए थे तिब्बत की तरफ, उस समय जो है वो यहाँ पर रुके थे. ठीक है, मणिकरण साहिब गुरुद्वारा जहाँ पर है. क्लियर, तो दीज वर द गुरुद्वारा इन हिमाचल जो आपने याद रखनी है. और मेनली अगर आप बात करो ना, तो बिलासपुर हमीरपुर मंडी और आपका उन्ना सिरमौर कुल्लू, यहीं पे गुरुद्वारास हैं मेजर, और गुरुद्वारास नहीं है डिस्ट्रिक्ट्स में. अब बात करेंगे चर्चेस की. वी हैव सम फेमस चर्चेस इन गुरुद्वारा इन हिमाचल, एंड स्पेसिफिकली हमारे शिमला और सोलन वाला जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा, और आपका धर्मशाला में भी कुछ. सो क्राइस्ट चर्च शिमला की बात करते हैं सबसे पहले, द फेमस वन. स्टार्टेड इन, इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो 1844 में स्टार्ट हुई थी, एंड इट गॉट कम्प्लीटेड इन 1846. हम शिमला के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल्स करेंगे. रिकोगनाइज बाय बिशप ऑफ कलकत्ता, 1857 में इसको रिकोगनाइज किया था कलकत्ता के बिशप ने. कलकत्ता उस समय कहा जाता था 1857 में, अभी कोलकाता कहते हैं. इट वॉज डिजाइन बाय कर्नल जे टी बालू. कर्नल जे टी बालू ने जो है इसे डिजाइन किया था. इट इज द ओल्डेस्ट इन हिमाचल, और यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है. जो लाइब्रेरी जो है वो बिल्ड की थी, इट वॉज बिल्ट बाय जेम्स रैनसम ने. सो जेम्स रैनसम बिल्ट अ लाइब्रेरी हियर इन 1910 में. ठीक है, ओके. चर्च, क्राइस्ट चर्च शिमला की जो रिज पे है, द फेमस वन. नेक्स्ट वन इज सेंट माइकल्स कैथेड्रल शिमला. इट वॉज बिल्ट इन 1886 बाय लॉर्ड रिपन. लॉर्ड रिपन यू मस्ट नो वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया. एंड देन कम्स योर सेंट मैरीज चर्च शिमला. इट इज लोकेटेड इन कोटगढ़. फाइन, सो क्राइस्ट चर्च, सेंट माइकल कैथेड्रल और सेंट मैरीज चर्च शिमला. Next is your Dalhousie. Dalhousie mein you have 4 churches. These are like St. Andrew's Church, St. John's Church, St. Francis Church or St. Patrick's Church. John's Church jo hai wo alag-alag jagah par hai.
शिमला में वी हैव माइकल्स, मैरीज एंड क्राइस्ट चर्च. देन डलहौजी में वी हैव एंड्रयूज, जॉन्स, फ्रांसिस एंड पैट्रिक चर्च. ठीक है, डिटेल में मत जाओ, इतना ज़्यादा नहीं याद रख पाओगे फैक्ट्स कौन कब बना, थोड़ा बहुत आइडिया रखना है. लेकिन हाँ, क्राइस्ट चर्च जो है उसके बारे में आपने 100% याद रखना है. स्टार्टेड इन 44 एंड कम्प्लीटेड इन 846. ठीक है, यहाँ पे एंड्रयूज चर्च 1903 में बनी, जॉन्स चर्च 1863 में बनी, फ्रांसिस चर्च 94 में बनी और पैट्रिक चर्च जो है वो 1909 में जाकर बनी. धर्मशाला में अगेन देखो, जॉन्स चर्च धर्मशाला में भी है और डलहौजी में भी है. क्लियर? सो जॉन्स चर्च जो है वो धर्मशाला में है. कसौली में वी हैव क्राइस्ट चर्च, शिमला में वी हैव क्राइस्ट चर्च, कसौली में वी हैव क्राइस्ट चर्च. कसौली की भी फेमस है ना. पालमपुर वी हैव पैट्रिक्स चर्च. अब ये पैट्रिक्स चर्च इसके अलावा हमें मिली थी डलहौजी में. डलहौजी में हमारे पास पैट्रिक्स चर्च थी और जॉन्स चर्च थी. ठीक है, फिर धर्मशाला में हमें जॉन्स चर्च मिली और पालमपुर में हमें मिली पैट्रिक चर्च अगेन. ठीक, दीज वर द चर्चेस, चर्च इन हिमाचल. अब बात करते हैं फोर्ट्स इन हिमाचल, किले, चार दीवारी वाले किले, है ना. हिमाचल के फोर्ट्स थोड़े डिफरेंट तरह के होते थे. एक नॉर्मल प्लेन के फोर्ट्स की बात करें तो लेयर ऑफ यू नो दीवारों की लेयर्स होती हैं, वॉल्स की लेयर्स होती हैं. हिमाचल में ये थोड़े डिफरेंट तरह के होते हैं ना. सो तारागढ़ फोर्ट जो है एट भटियात, जो बिल्ट बाय राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर, है ये चंबा में तारागढ़ फोर्ट, लेकिन नूरपुर के राजा जगत सिंह, नूरपुर का एक ही फेमस राजा है राजा जगत सिंह, उसने बनवाया था. ठीक है, एंड ही ऑल्सो अटैक्ड चंबा और अप्रॉक्स 20 साल तक जो है उसने चंबा पे रूल किया था. गणेशगढ़ फोर्ट, अगे इट वॉज बिल्ट बाय गणेश वर्मन चंबा के. कांगड़ा की बात करते हैं, द फेमस कांगड़ा फोर्ट, ऑल्सो कॉल्ड नगरकोट फोर्ट. ठीक है, पूरे हिमाचल में अगर हम सबसे फेमस फोर्ट की बात करें तो यही है, नगरकोट फोर्ट, कांगड़ा फोर्ट. इट वॉज बिल्ट बाय सुशर्मा चंद. सुशर्मा चंद हु ऑल्सो टुक पार्ट इन महाभारत की लड़ाई कौरवों की तरफ से. ठीक है, ही टुक पार्ट इन महाभारत बैटल फ्रॉम साइड ऑफ कौरवस ऑन द बैंक ऑफ रिवर बाण गंगा. सो बाण गंगा नदी के ऊपर सुशर्मा चंद ने एक फोर्ट बनाया था जिसको कि हम कांगड़ा फोर्ट या नगर फोर्ट फोर्ट के नाम से जानते हैं. अदर फोर्ट्स ऑफ इन कांगड़ा की बात करें तो शाहपुर कोटला, राइट, शाहपुर कोटला फोर्ट है. फाइन, एंड देन यू हैव एक सेकेंड, वी हैव योर हरिपुर फोर्ट, विजयपुर फोर्ट, ज्वाली फोर्ट, पठियार फोर्ट और सिब्बा फोर्ट. ये कांगड़ा में कुछ और फोर्ट हैं. आपको ऑप्शंस आ सकती हैं फॉलोइंग में से कौन सा फोर्ट कांगड़ा में नहीं है. आपको याद होना चाहिए कांगड़ा, देन यू हैव शाहपुर, हरिपुर, विजयपुर, ज्वाली फोर्ट, पठियार फोर्ट और सिब्बा. बिलीव मी, मैंने कुछ कई हैं जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं, जो किए हैं प्लीज उनको याद कर लें जरूर. हमीरपुर फोर्ट, हमीरपुर में जो फोर्ट्स हैं, सुजानपुर फोर्ट, इट वॉज बिल्ट बाय घमंडचंद. घमंडचंद जो था वो प्रीडिसेसर था आपके संसार चंद का, द फेमस संसार चंद. महल मोरियो, वेरी वेरी फेमस महल मोरियो फोर्ट, जहाँ पर की फेमस बैटल लड़ी गई थी संसार चंद और अमर सिंह थापा ऑफ नेपाल के बीच में, उनकी उसकी हिस्ट्री डीप है काफ़ी, है ना. सो महल मोरियो भी हमीरपुर में है, यहाँ पे भी फोर्ट है और सुजानपुर में भी फोर्ट है. देन मंडी, मंडी में जो फेमस फोर्ट है दैट इज़ कमलागढ़ फोर्ट. ठीक है, ये सरका घाट एरिया में आता है और सूरज सेन ने इसे बनाया था. ठीक है, सिकंदरधार फोर्ट और पांगना फोर्ट. फोर्ट का मतलब समझ रहे हो, हिमाचल के फोर्ट आर लाइक चार दीवारी में ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दी, जैसे मंदिर मंदिर है जैसे, है ना. और यहाँ ऊपर जो है वो मंदिर या इस तरह का फोर्ट इसी तरह से होता था हिमाचल में, राइट. कुल्लू फोर्ट में, कुल्लू में आएगा नग्गर फोर्ट, नग्गर फोर्ट इज द फेमस वन इन कुल्लू. लाहौल स्पीति की बात करें, गोंदला फोर्ट. ठीक है, जैसे ही आप ये अपनी अटल टनल क्रॉस करते हो और आगे थोड़ा जाते हो तो गोंदला फोर्ट आता है, केलोंग डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में आएगा. इट वॉज बिल्ट बाय मान सिंह ऑफ कुल्लू. क्योंकि आपको पता है लाहौल और स्पीति में कोई बहुत बड़ी डिनास्टी नहीं थी, और लाहौल और स्पीति जो है इसे कभी चंबा ने रूल किया, कभी कुल्लू ने रूल किया, कभी तिब्बत के इन्फ्लुएंस में रहा और कभी जम्मू कश्मीर के इन्फ्लुएंस में भी रहा. फाइन, सो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो बाहर से आके लोगों ने ज़्यादा बनाई हैं. सो कुल्लू के मान सिंह ने यहाँ पर जो है वो ये बनाया है गोंदला फोर्ट. देन कम्स किन्नौर में लबरांग फोर्ट, जो कि पू में है, पू विलेज की बात हमने अभी की थी. मुरंग फोर्ट, अगेन इन पू. कामरू फोर्ट, कामरू किसी समय पर जो है वो रामपुर की राजधानी हुआ करती थी. रामपुर का जो एरिया है जो आज शिमला में आता है, ये इसी के अंडर आपका ये सारा किन्नौर भी आता था. किन्नौर बहुत बाद में जाके अलग डिस्ट्रिक्ट बनी है. तो कामरू जो था वो कैपिटल हुआ करती थी इस पूरे एरिया की, रामपुर वाले एरिया की. और
वहाँ पे भी एक फोर्ट है विच इज़ इन सांगला, सांगला वाले एरिया में आता है ये कामरू फोर्ट। सपनी फोर्ट भी आपका सांगला वाले एरिया में आता है, ठीक है। तो ये किन्नौर में फोर्ट है, लबरांग, मुरांग, कामरू, सपनी, ठीक है। आगे बात करते हैं शिमला में। शिमला में यू हैव चौपाल, हाटू और सुमेरकोट, ठीक है। चौपाल, हाटू और सुमेरकोट फोर्ट जो है ये शिमला में आते हैं आपके। नेक्स्ट वन इज़ योर सिरमौर, मानगढ़ फोर्ट, जैतक फोर्ट, हरिपुर फोर्ट, ठीक है। ये आपके सिरमौर में है। क्वेश्चन आता है जैतक फोर्ट पे, क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था कि जैतक फोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। सोलन में मलौन फोर्ट, नालागढ़ फोर्ट आपके नालागढ़ एरिया में, धारों की धार फोर्ट और रामशहर फोर्ट, ठीक है। उन्ना में, उन्ना में सोला सिंगी फोर्ट, ठीक है। सोला सिंगी फोर्ट कहाँ पर है, उन्ना में। बिलासपुर में देखो बछेत्रू फोर्ट शातलाई की तरफ, त्यून और सरयून फोर्ट घुमारवीं वाली साइड, बहादुरगढ़ फोर्ट, रतनपुर फोर्ट नौणी वाले एरिया में, कोट कहलूर फोर्ट नैना देवी वाली साइड, बिछेत्रु, त्यून, सियून फोर्ट एंड देन बहादुरगढ़ फोर्ट। एंड बहादुरगढ़ आपको पता भी होगा, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट एरिया इन बिलासपुर, इससे ऊपर और कोई हिल है नहीं है वहाँ पे। रतनपुर फोर्ट एंड योर कोट कहलूर फोर्ट नैना देवी की तरफ को। ये कुछ फोर्ट्स थे हमारे हिमाचल में, ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, दैट इज़ ट्राइब्स इन हिमाचल। तो हिमाचल की जो फेमस ट्राइब्स हैं उनमें से सबसे ऊपर नाम आता है गद्दी ट्राइब का, ठीक है। गद्दी ट्राइब जो है वो हिमाचल की ओरिजिनल ट्राइब है। हालांकि कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि कुछ राजपूत्स जो थे या कुछ लोग जो थे खासकर बाणियाँ, वो सेंटर वाले एरिया से मतलब प्लेन वाले एरिया से आ गए जब मुस्लिमों ने अटैक किया, मुस्लिम अटैक हुआ इंडिया पे, और वो इधर आ गए हिल्स में और वो यहीं बस गए और वो फिर गद्दी ट्राइब बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ लोग शिफ्ट ज़रूर हुए थे हिल्स में ड्यूरिंग मुस्लिम अटैक, लेकिन वो गद्दी नहीं बने। गद्दी जो उनका पहनावा, उनकी बोली और उनकी डीप एंशियंट कल्चर को ध्यान में रखते हुए देखें तो पता चलता है कि वो ओरिजिनली वहीं के इनहैबिटेंट्स हैं, ठीक है, हिमाचल के ही इनहैबिटेंट्स हैं। गद्दी ट्राइब इज़ अ शेफर्ड कम्युनिटी, शेफर्ड कम्युनिटी है जो भेड़ और बकरियाँ, गोट, शीप चराते हैं, एंड दे आर बेसिकली द रेजिडेंट्स ऑफ भरमौर रीजन ऑफ चंबा। मोस्ट ऑफ देम लिव इन सबर्ब्स ऑफ धौलाधार, तो धौलाधार की पहाड़ियों के अराउंड घूमते हैं, ना सिर्फ धौलाधार और भी, लेकिन मोस्टली उसके अराउंड। और उनका मेन जो बिजनेस है दैट इज़ रेयरिंग शीप एंड गोट। मोस्ट एंशियंट एंड ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं हिमाचल के, जैसा कि मैंने आपको बताया। देयर अटायर ऑल्सो मेंशन इन पनीनीज अष्टाध्यायी। अब खुद सोचो उनका जो पहनावा है वो पनीनी के अष्टाध्यायी में मेंशन है, तो वो कितने ही एंशियंट ट्राइब है, ठीक है। दे आर प्रीस्ट ऑफ शिवा, शिवा को वो पूजते हैं, है ना। उनका उनके साथ जो टेम्पल जुड़ा हुआ है बेसिकली दैट इज़ बैजनाथ टेम्पल कीरग्राम का। किन्नर ट्राइब, गद्दी ट्राइब के अलावा किन्नर ट्राइब, वर्ड जो किन्नर वर्ड है ये वर्ड आया हुआ है किमनर से, किम मतलब किस तरह के लोग, ठीक है। इनका जो फेस है वो थोड़ा लंबा होता है और समटाइम दे आर कॉल्ड हॉर्स फेस्ड पीपल, ठीक है। तो इसलिए नाम आता है किमनर से, ठीक है। आर फॉलोअर्स ऑफ हिंदू एंड बुद्धिज़्म, हिंदू भी हैं और बुद्धिस्ट भी हैं। पांडव है, ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने जो अपना अनोनिमिटी, जो अज्ञात टाइम था उनका, ज्ञात काल था, वो किन्नौर के एरिया में स्पेंड किया था। इनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है। दे गेट ह्यूज बेनिफिट फ्रॉम एप्पल प्रोडक्शन। जब से एप्पल प्रोडक्शन होनी शुरू हुई है हिमाचल में, आपको पता है कि किन्नौर के एप्पल जो हैं दे आर फेमस। शॉल, किन्नौर का जैसे कुल्लू का शॉल है, ऐसे किन्नौर का भी शॉल जो है वो फेमस है। एंड किन्नौर में जो रिब्बा है, द प्लेस इज़ फेमस राइट फॉर grapes, it is also called land of grapes। ये direct question आता है paper में, dash place in किन्नौर is called the land of grapes, it is Ribba, fine। तो दो tribes होगी हमारी, गद्दी tribe और किन्नर tribe। next लेते हैं, it is गुज्जर tribe। so गुज्जर tribe is considered the descendants of हुना। हुना कहाँ से आए थे, ये जो मंगोल वाला region है specifically, ये origin माना जाता है हुनास का, ठीक है। और इनके descendants हैं, दे वर नॉट ओरिजिनल, ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स नहीं हैं हिमाचल के, वो हिंद कुश पर्वत की तरफ से, हुनास जो हैं वो
सारे जो कजाकिस्तान तजाकिस्तान वाले एरिया हैं या सब जगह फैले हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान के हिंद कुश माउंटेन की तरफ से जो है ये लोग आए, एंड ये हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं। आपको पता है हिंद कुश का जो रीजन था किसी समय पर हमारी मॉडर्न डायनेस्टी हुआ करती थी उस समय वहाँ तक फैली हुई। सो ये हिंदू मुस्लिम दोनों ही हैं गुज्जर ट्राइब के लोग, और इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है बफेलो रियरिंग, और बफेलो ये पालते हैं और दूध सेल करते हैं, मिल्क एंड खोया ऑल्सो। मेन प्रॉब्लम क्या है गुज्जर्स की, क्योंकि बफलोज जैसे जैसे इनकी इंक्रीज करेंगी, इनको अपने बफलोज को चराने के लिए पास्चर्स चाहिए, चरगाह चाहिए, और वो डिक्रीज हो रहे हैं विद टाइम, फॉरेस्ट डिक्रीज हो रहे हैं, पास्चर्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये मेजर प्रॉब्लम है गुज्जर ट्राइब की। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ ट्राइब इज स्वांगला। स्वांगला ट्राइब जो है ये पतन और चंद्रभागा वैली में फैली हुई है। अब देखो इफ दिस इज चंबा एंड इफ दिस इज लाहौलन स्पीति, तो ये जो एरिया होगा ये चंद्रभागा का एरिया होगा, चंद्रभागा वैली, और ये जो वैली है टोटल ये पतन वैली चंबा की बिल्कुल ऊपर वाली, ठीक है। तो यहाँ पे स्वांगला ट्राइब रहती है। देन आर खाम्पा ट्राइब। खाम्पा आपको पता है द तिब्बतियंस जो नोमैडिक लाइफ जीते हैं, नोमैडिक एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह इन सर्च ऑफ वर्क और अपनी चीज़ें जो भी स्टोन या जेम्स जो भी ये सेल करते हैं उसके लिए, ठीक है। सो दे आर खाम्पास तिब्बतियंस बट लिव नोमैडिक, मोस्ट ऑफ देम अभी तो सेटल ही हो गए हैं, बट हाँ दे यूज टू लिव अ नोमैडिक लाइफ। Then comes Jud. Jud were the Tibetans who came to live in Indian side of the border. जब तिब्बत पे चाइना ने अटैक कर दिया या एक तरह से उसको हथिया लिया पूरी की पूरी ज़मीन को उनसे, तो कुछ लोग जो है वो इंडियन साइड पे आ गए बॉर्डर के, एंड दे डू नॉट बिलीव इन आर्मामेंट, बेसिकली हथियारों में और चीज़ों में बिलीव नहीं करते कि हम उठा के लड़ेंगे। आपने देखा होगा अगर आपने फेमस डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी बुद्धा की, तो आपने देखा होगा कि ये लोग जो हैं तिब्बतियन स्पेसिफिकली ये बहुत ही अहिंसक होते हैं। अहिंसा बुद्धिज़्म में बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है, तो दे डोंट बिलीव इन आर्मामेंट्स। तो और ज़्यादातर ये इंडिया की कौन सी साइड रह रहे हैं, हंगरंग वैली, और ये हंगरंग वैली कहाँ है, इट इज़ इन किन्नौर, किन्नौर की जो ऊपर वाली वैली है दैट इज़ हंगरंग वैली। Then comes this Lahula tribe. Obviously, नाम से पता चल रहा है कि ये लाहौल में रहते हैं। These are the residents of Lahul, mixtures of Aryans and Mongols. Again, मंगोलिया से आए हुए लोग और आर्यन, इन दोनों का मिक्सचर है बेसिकली लाहौल के लोग, ठीक है। हिंदू भी हैं बुद्धिस्ट भी हैं, राइट। आर्यन्स जो बेसिकली हैं वो हिंदू हैं और मंगोल जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं। एंड लास्ट इज आर पंगवाल ट्राइब। ये पांगी रीजन में रहती हैं चंबा के, चंबा का पांगी रीजन ये वाला रीजन है बिल्कुल ऊपर का, ठीक है। इस तरफ पतन वैली और इधर पांगी वैली। सो पांगी रीजन ऑफ चंबा जो है यहाँ पे ये पंगवाल ट्राइब मिलती है, एस्बेस्टोस स्टोन यहाँ पे मिलता है, एंड लोएस्ट एलिवेशन जो है यहाँ पे वो साच पास है, आपने सुना होगा साच पास के बारे में। सो ये ट्राइब्स हैं हमारी। कौन कौन सी ट्राइब्स हैं हिमाचल में, बेसिकली गद्दी, किन्नर्स, गुज्जर्स, स्वांगला, खाम्पा, जड, लाहौला और पंगवाल, ये मेन ट्राइब्स हैं हिमाचल की। सो वट ऑल वी हैव स्टडीड टिल नाउ, हमने इस पूरे लेक्चर में आर्ट एंड कल्चर मैराथन में हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं, लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, रिलीजन, लिटरेचर, म्यूजियम, पेंटिंग, फोक सॉन्ग्स, डांसेस, ड्रामास, फेस्टिवल, टेम्पल आर्किटेक्चर, मोनेस्ट्रीज, गुरुद्वारा, चर्च, फोर्ट्स एंड ट्राइब, ये सभी चीज़ें जो है वो हमने स्टडी की हैं। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी और आपको अच्छी लगी होगी और आपको इससे बेनिफिट होगा आने वाले एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच। आई विल कम अगेन विद सो मेनी सच वीडियोस। यू कैन ऑल्सो राइट इन कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो या मैराथन चाहिए तो। थैंक यू सो मच।